सो हाउ वॉज योर लॉ पेपर? कैसा था? सॉरी, मैथ्स पेपर। आप अपना रिव्यू जरूर देना कि आपका पेपर कैसा गया है। हालांकि 50% स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है, लेकिन ओवरऑल पेपर अच्छा था। ओवरऑल पेपर जो था बढ़िया था, सोल्वेबल था, अच्छे से हो पाता। कुछ कुछ लोगों को हार्ड लगा, बट पेपर क्वाइट मॉडरेट था, ठीक था, सोल्वेबल था। टाइम कंज्यूमिंग तो हमेशा होता है, लेंदी टाइम कंज्यूमिंग होना वो तो मैथ्स का पेपर हमेशा होता है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक थे। ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से पेपर डिफिकल्ट डाला, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस या ऑप्शंस में ऐसा भी हुआ है, जैसे दो तीन क्वेश्चन में लगा है स्टूडेंट्स को कि गलत दिया है, और पूरी तरीके से माने और एक एवरेज निकाले तो 55 से 65 तक सारे स्टूडेंट्स लगभग किए, 55 to 65। मतलब साफ है इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स में पास होने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा कम अटेम्प्ट किए होंगे, वैसे भी स्टूडेंट्स मिले हैं, जैसे बहुत कम थे, 3 4 स्टूडेंट जो बोले कि 45 से 55 तक वो लोग अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट मिले वो 55 से 65 तक गए हैं। इवन कुछ लोग 65 से 75 तक भी गए हैं। और अगर पेपर की हार्डनेस की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे, 3 4 क्वेश्चन जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, हार्ड नहीं थे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते उसको सोल्व करने में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से ज़्यादा टाइम ले रहे थे। और स्टेट्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको पता था कि हाँ इसको फॉर्मेट बनाकर प्रॉपरली अगर सोल्व करूँ तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी थे, लंबा सोल्यूशन था तो वो टाइम ज़्यादा ले पा रहा था। वहीं जो प्योर प्योर जो मैथ्स का पोर्शन है अपार्ट फ्रॉम स्टेट्स और TVM और LR, 50% ऐसे थे जो सोल्व करने में टाइम लग रहा था, थोड़े से टफ थे, लेंदी थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि लगभग 70 80 तक भी अटेम्प्ट कर पाते, लेकिन टाइम कम था तो वो नहीं कर पाए। ऐसा हुआ है ओवरऑल रिव्यू, मतलब पेपर जो था ठीक पेपर था। आप जरूर बताइए कैसे था। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। हाँ होता है, हर बार एक दो क्वेश्चन हार्ड होता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया या आपका वो सीटिंग अरेंजमेंट वाला हो गया, तो एज ये पोर्शन में देखा गया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अदरवाइज पेपर बहुत बढ़िया था, बढ़िया पेपर था, बहुत टफ नहीं कह सकते। हाँ कुछ लोगों के लिए होता है प्रैक्टिस कम होने के कारण वो 40 50 तक अटेम्प्ट कर पाते, बट दैट्स क्वाइट गुड। ऐसा नहीं है कि वो अटेम्प्ट गलत है, उतना भी अगर आप किए हैं ना, और अगर खुद से कैलकुलेट किए हैं और खुद से आंसर और ऑप्शन टिक किए हैं, और अगर 50 तक आपने ऐसा किया है तो रिलैक्स रहिए, आप पास होने वाले हो। इवन अगर 46 47 तक भी आप गए हो और खुद से सारा आंसर लाए हो, ऐसा नहीं है कि कोई बेवजह ही टिक मार दिए हैं, तो आप पास हो। और अगर 50 60 50 से 55 के बीच में हो और दो तीन ऐसा था जिसको आपने ऐसे ही टिक मार दिया, तुक्का लगा दिया, तो भी आप पास हो। जी हाँ, मिड ऑफ एवरेज एवरेज एंड इजी, बिल्कुल थोड़ा सा इजी थोड़ा सा डिफिकल्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाता है। एक सेकेंड मैं पोल कर लेता हूँ, ठीक है, मैं पोल करता हूँ। हाउ वॉज योर पेपर? आर्ट और क्या? ओवरऑल अगर देखा जाए, वन सेकेंड वन सेकेंड, कर छोड़िए उसको। तो ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का रिव्यू था कि पेपर जो था वो क्वाइट मॉडरेट ही कहेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी था उसमें। ऐसा नहीं था कि आपका 70% पेपर बिल्कुल ईजी था, ऐसा नहीं था। 50 to 60% ऐसे, 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, ऐसा सस्पेक्टेड है स्टूडेंट्स के द्वारा, कि जब 100 1 to 100 तक वो लोग गए तो उनको ऐसा लगा कि 50% क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर का क्वेश्चन ऐसा था जो कि रिलेटेड टू, मतलब जैसे मटेरियल्स पे क्वेश्चन है वैसे ही थे, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस था लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप, आपको लग रहा था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन मैं सोल्व कर रखा हूँ मैथ्स में। x-1 x+1, ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई कि फेल ही हो जाओगे।
ओके, तो अपना बताना जरूर आप कि आपका जो था वो कैसा था। अकाउंट में फेल हूँ, देखिए अकाउंट में कोई फेल नहीं होता भाई। अकाउंट में अगर 60-70% आपने कर रखा है तो अकाउंट्स में आप पास हो। देखो ओवरऑल मैं बात करूँ, अगर आपने अकाउंट्स में 60-70% सोल्व किया, 70% मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें अगर आप 35 मार्क्स का आपको लगा कि आपने सही सोल्व कर रखा है, सही से 35 नंबर का, और बाकी में गलती है, ज़्यादा गलती है, कम गलती है, तो भी आप पास हो, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर 35 नंबर का आपने सही से सोल्व कर रखा है, आप खुद से इवेल्युएट कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा अकाउंट्स के पेपर में कि आप 30-35 मार्क्स, 35 मार्क्स मानकर चलिए कि आप सही किए हैं, और जो 20 या 25 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें आपने गलती कर रखा है तो भी आप पास हैं, इवन 45 भी आपका आ सकता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। लॉ की भी बिल्कुल वैसा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है कि केस बेस्ड वाला मेरा गलत है, हो सकता है उस पर आपको बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन पे मार्क्स ना मिले, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप जो बनाए हैं उस पर तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, तो उसकी टेंशन भी मत लेना आप। स्टेप मार्किंग अवेलेबल होता है लॉ में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, और केस बेस्ड क्वेश्चंस में भी अवेलेबल रहता है, कब, जब आप प्रोविजन सही लिखते हैं तब। अगर प्रोविजन ही गलत कर दोगे ना तो ना वो आपका फैक्ट चेक करेंगे ना ही कंक्लूजन चेक करेंगे, लेकिन अगर आपने प्रोविजन सही लिखा है बाद में आपका कंक्लूजन गलत हो गया तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। वैसे ही है डायरेक्ट क्वेश्चन में, क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसमें मार्क्स बिल्कुल ही कट हो जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। आपका 5 मार्क्स का है, अगर आपने 5 पॉइंट लिखा है और उसमें 3 पॉइंट सही है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 2 पॉइंट सही है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने 1 ही पॉइंट लिखा है तो 1 मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई समझौता नहीं है। और मैथ्स की बात करें, जो आज का पेपर हुआ बताना जरूर आपका कैसा गया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो बोले कि पेपर में जो क्वेश्चन था वो ठीक था, जैसे मटेरियल के क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन मैं सोल्व कर रखा हूँ, मतलब ऐसा आपको भी लगा होगा, वहां पे 40-50% ऐसे क्वेश्चन थे। चौसठ अटेम्प्ट किए हैं, आंसर बता दो ना प्लीज, इको का भी पढ़ना है, पढ़िए, कोई दिक्कत। अच्छा स्टूडेंट से पूछ रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आप लोग ना, मैं इकोनॉमिक्स के इसलिए मैं पीडीएफ भी खोल कर रखा हूँ, दिखाऊँ आप लोग को, ये देखो किधर गया, इको एंड बीसी की, ये हो गया आपका पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चन, कंपलसरी है क्वेश्चन, लेकिन अभी आप लोग क्योंकि एग्जाम देख रहे हो तो इतनी जल्दी मैं करूंगा नहीं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, किसने बोला है, तो एल्फ्रेड मार्शल ने। सी अब बोलोगे कि इसको कैसे याद रखें, एल्फ्रेड मार्शल ने ही बोला है। देखो लाइफ, बिजनेस ऑफ लाइफ, एल आ रहा है ना, आओ यहाँ देखो एल्फ्रेड मार्शल में दो दो तीन तीन एल आ रहा है, लास्ट में भी डबल एल, शुरू में भी एक एल, इससे याद आप कर सकते हो कि एल्फ्रेड मार्शल जो है जिसमें ज्यादा एल है वो एल की बात की है, यानी कि लाइफ की बात की है, स्टडी ऑफ लाइफ। और भी क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स के, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसे क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि लार्ज स्केल की बात नहीं कर रहा है, रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहा है, यानी कि स्केल की बात कर रहा है, लोअर स्केल की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट क्रॉस करने की बात नहीं कर रहा है, नेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा है, रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहा है। एक सेकंड मैं आपकी भी क्वेरी ले लेता हूँ, आंसर बता दो सर। भाई मैं आंसर बता दूंगा, क्वेश्चन मिल जाएगा तो, और क्वेश्चन एमसीक्यू पेपर का नहीं मिलता, मैंने तो पेपर ही नहीं दिया, अकाउंट खराब गया, लॉ 70 पक्के हैं, क्यों पेपर नहीं दिया भाई, देना चाहिए था, अकाउंट्स में इतनी आसानी से फेल नहीं होते मेरे भाई, बता देंगे, बता भाई मैं क्वेश्चन ही पोस्ट कर दूंगा, आप लोग क्वेश्चन देख लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना और बता देना। 63% लोग हार्ड बोले हैं भाई पेपर को, मतलब जो पोल ऊपर में क्रिएट किया उसको 63% हार्ड, 61% अब हो गया। बता दूंगा आंसर बता दो। 52 क्वेश्चंस, देखिए 52 क्वेश्चंस भी अगर आप अटेम्प्ट किए लेकिन आपने आंसर खुद लाया था उस क्वेश्चन का, तो आप रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके और लौटते हैं वापस, कहाँ गया, आप पीडीएफ पे कुछ कुछ क्वेश्चन आप देख भी लीजिए, रिव्यू के चक्कर में ही आपको याद हो जाएगा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक यूजेज, कैपिटलिस्टिक यानी कि प्राइवेट की बात कर रहा है, एज ए प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, उनका क्या होता है, प्रिंसिपल्स मीन्स डिमांड सप्लाई या प्राइस, प्रिंसिपल मीन्स की बात कर रहा है, प्रिंसिपल मीन्स, ये देखो अमाउंट की बात किया,
प्राइस, ये देखो, तो जब प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसका रिसोर्स एलोकेशन का जो प्रिंसिपल मीन्स होता है वो होता है प्राइस। पैसा ही सब कुछ है भाई, प्राइवेट लोग काम ही इसीलिए करते हैं ताकि ज़्यादा पैसे छापे, पैसा ही तो लगेगा। स्टडी ऑफ हाउ एन इंक्रीज इन कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट नेचुरल नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये क्या है, माइक्रो है या माक्रो है, देख रहे हैं आप। एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस पे कैलकुलेट होता है, लोअर लेवल पे या नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे ऐसा कैलकुलेट होता है, यानी कि वो माइक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहा है। फिर से आपके क्वेरी पे आ जाओ भाई, आंसर बता दो मैथ्स का। हाँ, आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा मैं आप लोग को क्वेश्चन ही सीधा प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लें, बता दूंगा, पेपर भी बता दूंगा। पेपर अगर रिव्यू की बात कर रहे हो तो पेपर जो था वो ठीक ठाक था, सोल्वेबल था। सोल्व अगर 50+ किए हो तो श्योर रहो, अगर दो तीन गलती भी हुई है, और अगर 45 तक आपने करेक्टली सोल्व किया है तब तो कहने ही नहीं, ठीक है। तो पेपर जो था बढ़िया पेपर था, किधर गया पेपर, अच्छा था। और अगेन मैं बात करूं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा लगा है, क्या आपको भी लगा है, आप लोग जो जितने देख रहे हो, कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस भी है, मतलब सॉरी रॉन्गली मिस प्रिंट थे, क्या उसके ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहे थे, ऐसा भी कोई क्वेश्चन था क्या, किसी ने मेंशन किया x-1 ऐसा कुछ, जो आपको लगा हो या तो उसका ऑप्शन गलत है या वो क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा लगा आपको मैथ्स के पेपर में? एनीवन? फोर्टी फोर तक एकदम सही, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, 44 सही कर लिए ना, काफी हो गया। वन सेकंड, वन सेकंड, ये पीवीएम में था। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक क्वेश्चन, किसी को सस्पेक्टेड है कि वो गलत था, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो गलत था तो उसके लिए आपको ग्रेस दिया जाएगा। पचपन तक अटेम्प्ट किया हूं एंड 7 से 8 तक गलत हो सकते हैं, तो भी आप पास हो, चिंता मत करना। 84 अटेम्प्ट किए पार्थ पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन था x-1, देखो एक्स वाला आंसर मैच नहीं हो रहा था, हाँ तो अगर वो था ऐसा, अगर वो गलत होगा तो आपको पक्का कंफर्म उसके लिए ग्रेस मिलता है, और सबको मिलता है। थ्योरी सा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, हाँ थ्योरी का क्वेश्चन मैं बताया ना, लोग बोले 95 राइट, माय गुडनेस। दिव्या बोरा, सी हैज अटेम्प्टेड 100 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 95 आर करेक्ट, यू आर जीनियस, वन डे यू विल क्रिएट हिस्ट्री, अच्छी बात है। भाई दिव्या बोरा मेल हो, अगर अटेम्प्ट ही नहीं किए क्वेश्चन तो ग्रेस भी लगा, देखो भाई ग्रेस अटेम्प्ट या ना अटेम्प्ट से नहीं मिलता मेरे भाई, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है कि आपको उसको टैकल करना ही है, अगर आप टैकल नहीं भी किए हो तो भी मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। क्या फेंक रहा है भाई दिव्य, देखो फेंक नहीं रहा, बहुत लोग ऐसे हैं, 98 राइट फ्रॉम 100, ये देखो प्रियांशु अग्रवाल, भाई पेपर सही था, अंदर से फील आया कि पढ़ा नहीं था, वैसे मैंने 52 अटेम्प्ट किया है, लेकिन अब डिपेंड करता है एग्रीगेट पर, इको 70+ लाने पड़ेंगे, आ जाएगा इको में, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिजल्ट घर भेजवा दूं प्रियांक। भाई कुछ लोग एक्चुअली में इतने इंटेलिजेंट होते हैं, और मुझे पता है कि जो दिव्या बोरा है उनके पास कम से कम 3 महीने या 2 महीने, मैं मानता हूं इन्होंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा, 2 महीने। फोर्टी थ्री अटेम्प्ट किया सर, मेरे को एक क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा था, हाँ वो क्वेश्चन बहुत लोग थे जिनको रॉन्ग लगा है, अगर वो रॉन्ग है तो उसके लिए आपको ग्रेस मिलेगा, क्या 75+ आ जाएगा,
पार्थ पटेल आ जाएगा भाई, अगर इतना अटेम्प्ट किए हो तो आ ही जाएगा। अगर 43 अटेम्प्ट किए और अगर उसमें भी करेक्ट अगर किए हो मयंक बाबू, तो आप भी पास हो जाओ। ऐसा नहीं है, अगर सारे ऑप्शंस आपने खुद टिक किए हैं खुद से, तो अगर एक भी गलत हुआ तो भी आप पास हो जाओ 100 out of 100। भाई ये क्या हो रहा है? सर मैंने 100 out of 100 अटेम्प्ट किए। लो भाई, आप लोग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी चली। 100 out of 100, वाह, मानना पड़ेगा भाई। इतना बकवास पेपर निकालने लगे तो 30% पासिंग मेंटेन कैसे करेंगे? मैंने 70 अटेम्प्ट, मतलब पेपर ज़्यादा इजी था क्या? लोग 70 80, कुछ लोग 100 अटेम्प्ट किए हैं। पेपर इजी ही था तीनों, बस मैंने कम एफर्ट दिया स्टडी में, फील आ रहा है अंदर से। कोई बात नहीं है, पेपर ठीक ठाक था। यस भैया, आई हैव लॉस्ट होप, इतनी मेहनत की तभी भी कुछ नहीं हुआ। होता है कभी कभी, ऐसा होता है भाई। और पेपर मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा मान रहे हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से सॉल्व किया था, मटेरियल किया, पास्ट ईयर पेपर की ठीक था, 60 किया, अच्छा है, 60 कम नहीं। 100 अटेम्प्ट सुनते ही लाइट चला गया है भाई, लाइट एक्चुअली में चला गया। सर पेपर सॉल्विंग वीडियो लाना, जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे वही बता। हाँ भाई, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर वो वैसे क्वेश्चन सस्पेक्टेड हैं भाई, 70+ कैसे लाऊँ इको में, बता कुछ। मैंने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा है, नेशनल इनकम तो सबसे इजी पेपर है, सॉरी सबसे इजी चैप्टर्स है, उसके तो ट्रिक है भाई। मैंने एक ना वीडियो बनाया था ट्रिक का, अगर उसको आप एक बार समझ लो ना, और इतना इजी ट्रिक है, याद कुछ नहीं करना, 1 मिनट देना उसको समझ जाना बस, वो पूरा आपका नेशनल इनकम का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ 50 से 60 लेन जाने पर अटकी है, पढ़ने वालों के लिए इजी लगा, पढ़ने वालों के लिए तो इजी लगा ही, और जो मॉडरेटली पढ़े हैं उनके लिए लगा कि ठीक है, हो जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे। क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा सितंबर के, सितंबर वालों के लिए मिल जाएगा पेपर, कुछ दिन वेट कीजिए, मिल जाएगा आपको पेपर। लेंदी बहुत है यार, सब कवर करना मुश्किल है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। रिलीफ देखो, पेपर मैथ्स का पेपर, एमसीक्यू पेपर पे उतना फोकस नहीं करनी चाहिए। ओहो यार, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, गर्मी बढ़ गया। और इको भी, इको का सर कब आंसर दिखाओगे? भैया जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा वैसे, रिग्रेशन बराबर था। दो भाई इलेक्ट्रिसिटी आई तुम्हारी। खैर, कुछ कुछ क्वेश्चंस देखोगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक यूजेज क्या प्राइस एज दियर प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन भी दिखा दिया भाई। क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होता है, टाइम लगेगा, बिल्कुल होता है। मैथ्स में क्या होता है कि आपका 25 to 30% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लगेगा कि बस फिगर चेंज किया है, ऐसे मटेरियल में क्वेश्चन है। बाकी 70% भाई कंसेप्चुअल होता है, आप 40% भी नहीं कर सकते कि डायरेक्ट मटेरियल से था, चेंज होता है, कुछ ना कुछ तो चेंज करते ही हैं वो लोग। एक्स वाई की वैल्यू नहीं आ रही थी, अरे भाई किसी ना किसी का तो आया ही होगा। अच्छा, अंडर ए फ्री इकोनॉमी प्राइसेज आर रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, पार्शली रेगुलेटेड, क्या होता है? डिटरमाइंड थ्रू फ्री इंटरप्ले। फ्री इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, फ्री इकोनॉमी, अच्छा, डिमांड और सप्लाई पे वो डिपेंडेंट होता है, अंडर इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या हो रहा है? अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर घर नहीं लाने देते तो लोग मेमोरी पर से सजेस्टेड पेपर बनाते हैं, तो पेपर सॉल्विंग तो होगा नहीं। बिल्कुल सर, आई फॉरगॉट टू बबल बट आई रोट इन इट कॉलम, विल माई पेपर इवेल्युएटेड? हाँ भाई, इवेल्युएट तो होगा ही, ये माइनर मिस्टेक है आपका। 3y+8 इसका आंसर नहीं आ रहा था, वैल्यू एक्स और वाई नहीं आ रहा था, ठीक था। थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ओवरऑल मोटरेट, ओवरऑल मोटरेट। अच्छा भाई, तुम्हारा अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया भाई, पिछली बार अटेम्प्ट दिया था उसमें एक पेपर की वजह से मेरा रह गया था, और एक में एग्रीगेट नहीं हुआ था भाई। सोचो, जो मेरा ग्रुप वन था आपको बताऊं, उसमें मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया, और ग्रुप टू में ऑडिट लेट हुआ। हाँ, BY(X) यानी कि Y on X और X on Y, मॉडरेट से ऊपर, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा भाई, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का।
इंटर का लेवल कैसा है एज कम्पेयर टू फाउंडेशन? मास्टर भाई, फाउंडेशन से कंपेयर नहीं कर सकते इंटर को भाई, नहीं कर सकते। खैर, पेपर पेपर बढ़िया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आता है ना तो नहीं आ रहा। अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसमें तो आप आराम से बता दोगे फैक्टर प्राइसिंग। एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में जब कंज्यूमर इंक्रीज दियर परचेज ऑफ ए गुड एंड द लेवल ऑफ व्हाट डिमांड एक्सीड्स सप्लाई या सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, देन प्राइस टेंड्स टू राइज। प्राइस कब राइज होता है? जब परचेज राइज कर रहा है कोई कंज्यूमर, उससे क्या होगा? सर क्या आप अभी रिव्यू करने वाले हो क्या? अब पेपर तो मेरे पास नहीं है ना भाई, मेरे पास पेपर नहीं है, किसी के पास पेपर नहीं है एक्चुअली। प्राइसेज जो है वो डिमांड और सप्लाई से होते हैं कैपिटलिस्ट में। व्हेन द डिमांड्स ऑफ गुड्स इंक्रीजेज सप्लाई रिमेन द सेम एंड द प्राइस ऑफ गुड्स राइज। ये देखो क्वेश्चन, प्रोफेसर वाले का क्या था भाई? अच्छा एलआर से पूछ रहे हो, डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई से ज्यादा और तभी प्राइस टेंड्स टू राइज होता है, ये होगा शायद। ये क्वेश्चन तो गायब कर दिया है भाई मटेरियल। सर सिर्फ 55 अटेम्प्ट किए हैं। सर कोई बात नहीं है, 55 किए हो ना, अगर आपने उसमें से 50 आंसर ऐसे क्लिक किए हैं, या लेटर सपोज आपने 48 या 49 ऐसे बनाए हैं जिसके लिए आपने कोई ट्रिक कोई तुक्का नहीं मारा, तो आप पास हैं। मेरी तरफ से पास है, मुझ जैसे स्टूडेंट्स 46 अटेम्प्ट करके पास हुए थे। कि आपका आपके पास पेपर कहाँ से आता है? मेरे पास नहीं आता भाई पेपर। पेपर बहुत लेट से कुछ एस्टिमेट करके कुछ स्टूडेंट बताते हैं। हालांकि मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, हर बार ऐसा हुआ है कि मैथ्स का पेपर जो है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो एग्जाम के 3-4 दिन बाद जो है वो सर्कुलेट हो ही जाता है। लिमिटेड लोगों के पास होता है लेकिन वो सर्कुलेट हो जाता है, किसी कोचिंग के पास हो सकता है, बड़े इंस्टीट्यूट के पास, जिनको बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से संपर्क हो, तो एक एक क्वेश्चन जो है वो पता रहता है उनको। PDF मतलब PYQ सीरीज, ये देखो भाई PYQ, सारे PYQ ही तो है, टेलीग्राम पे अपलोडेड है, टेलीग्राम पे मेरा सारा अपलोडेड है, ये जितना भी PDF देख रहे हो ना सारा। भैया आप जो लॉ का क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाए थे ना, वो बहुत हेल्प किया। लॉ का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हाँ किया होगा, इसमें जो न्यूली एडेड चैप्टर्स हैं उससे किया होगा। जैसे क्या था, मैं लॉ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो नए सिलेबस ऐड हुए हैं उस पे हर एक पॉइंट से अलग किया था, और उससे जो पढ़ लिया होगा ना एक बार, मैं बता रहा हूँ नए चैप्टर्स के वो सारे क्वेश्चंस कर गया होगा, जो न्यूली एडेड जो भी यूनिट्स हैं वो सारे कर गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, न्यू चैप्टर समझ रहा हूँ, क्योंकि और उससे आसान ही चैप्टर में पेपर में क्वेश्चन डाला, नए जो चैप्टर्स हैं, नए चैप्टर्स जिनका मैं क्वेश्चंस दिया था एग्जाम से पहले ही बहुत, उससे आसान क्वेश्चन ही पूछा, मतलब जो मैं क्वेश्चन दिया था उसको अगर कोई एक बार देख लिया होगा तो वो आसानी से सोल्व कर लिया होगा पेपर में, कोई दिक्कत की बात। और ये सारे PDF हैं जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ इकोनॉमिक्स का, किधर गया? यस, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स मीन्स आर अनलिमिटेड या स्कैर्स? तो स्कैर्स है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। ओहो आप सुनिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, किस चीज का स्टडी है? द सोसाइटी मैनेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड, हाउ सोसाइटी मैनेजेज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज और हाउ टू फुली सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। देख रहे हो कितना रिलेटेड ऑप्शन है, 53 का ही अटेंड किया है और 45+ कॉन्फिडेंस है, बस पास हो जाओगे भाई, कन्फर्म हो जाओगे। क्योंकि अगर आपने 53 किया और अगर 3-4 क्वेश्चन उसमें ऐसे जिसमें आपने बेवजह ही ऐसे ही टिक मार दिया कि बाकी सारे सही आपने आंसर आया और आपने उसको क्लिक किया, तो आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना।
क्या क्वेश्चन था? अच्छा, हाउ सोसाइटी मैनेजेज स्कार्स रिसोर्सेज। बिल्कुल, मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। किस पे? स्कार्स रिसोर्सेज पे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है, तो इकोनॉमिक्स यही स्टडी करता है कैसे हमें मैनेज करना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड कहिए या स्कार्स कहिए। December 20 में अपना मैथ्स का पेपर नाइट में भेज दिया था। अरे यार, याद है आप लोगों को? वो मिला था भाई, तो भेज दिया था। इस बार भी कोशिश करूंगा मैथ्स के पेपर में। आप लोग इतना ध्यान दे तो बताओ, December 23 में मैं पेपर अपलोड कर दिया था उसी दिन मैथ्स का, वो भी आपको याद है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं अपलोड कर दूंगा, मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा। इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, हो सकता है आपको कल कल नहीं परसों फायदा मिल जाए। ठीक है, देखिए कितना रिलेटेड क्वेश्चंस है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं, लिमिटेड रिसोर्स ही अवेलेबल है। हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड। हाउ सोसाइटी मैनेजेज इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज और हाउ टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट। तो स्कैर्स रिसोर्सेज वाला है, सही है। प्रोफेसर के क्वेश्चन में ऑथर का प्लेस फोर्थ पोजीशन होगा, एक डाउट है। बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। क्या डाउट है? बोलो भाई, डाउट बोलो। सर गलती से रोल नंबर हो गया था वो MR शीट में, गलती से रोल नंबर गलत हो गया था वो MR शीट में। फिर जीरो की जगह एक कर दिया था, फिर आपने जीरो किया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट होगा वो, प्रोफेसर वाला जो था ना, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, उसकी डिस्कशन चल रही है। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट था उसका आंसर। बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है मयंक भाई, मयंक सूर्यवंशी। अगर आप जीरो की जगह पे एक कर दिए हो, फिर से जीरो किए होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका वैल्यूएबल होगा। ऐसा नहीं कि आपका वो पेपर, आपका आंसर शीट वैलिड नहीं है, वैलिड ही है। सर यही आंसर होगा शायद, क्योंकि अब मुझे क्वेश्चन तो नहीं मिला, लेकिन लोग जो बोल रहे हैं वो फोर ही बोल रहे हैं, फोर फ्रॉम लेफ्ट, तो प्रोफेसर वाला का वही होगा। और मैं भाई चिंता मत करना, एक वर्ड इधर उधर होने से दिक्कत नहीं होता, कुछ भी दिक्कत नहीं होता। आप लोग तो ऐसे थे, जब हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे ना, उस टाइम पे लोग इतना गलती किए थे, मैं क्या बताऊं, मतलब इतनी गलती कि आप सोच भी नहीं सकते थे। कुछ लोग पेन से ही फिल कर रहे हैं आंसर, कुछ लोग पेंसिल से ऊपर वाले फिल कर रहे हैं रोल नंबर, जबकि वहां से पेन लिखा हुआ है। अजीब हो गया था उस टाइम, फिर भी सबका कॉपी चेक हुआ था। इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा होगा? मिक्स इकोनॉमिक मीन को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट, ये तो आसान है। हाँ सर, प्लीज ट्राई करिए कि अपलोड कर दीजिए भैया, मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, मैथ्स का पेपर के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सोल्व करने में मुझे टाइम लगेगा भाई। सोल्व करने के लिए आप लोग को पता है मुझे 2 दिन देना होगा, क्यों? क्योंकि 100% सोल्व करना रहता है भाई, और 100% सही सही। पिछली बार क्या हुआ था कि मैं लगभग 80 क्वेश्चन सोल्व किया था, 80 to 85, उसमें भी 5 गलत हो गया था, और मुझे ना इतने लोग बात बोले अजीब अजीब, कुछ लोग तो गालियां भी दिए, तू क्या बनेगा टीचर, तुम्हें खुद नहीं बुझाता ये वो। तो भाई इस बार इस मिल लूंगा, 100 क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिलेगा, हाँ क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, आप क्वेश्चन देख लेना। सोल्यूशन के लिए आपको 2-3 दिन हमको देना, उसके बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा। हु डिफाइंस इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ डिनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? डी डी ज्यादा आ रहा, पॉले सैमुएलसन। बड़ा काम बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम है पॉले सैमुएलसन, देख लो 3 अक्षर था, और ऊपर क्या है? डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऊपर भी 3 चीजें। बस मैंने रफ वर्क में बहुत मेहनती फील किया है, एंड क्वेश्चन पेपर पे टिक किया है, टिक है तो एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम। आंसर शीट पे टिक हो गया तो क्या उससे आपका, सॉरी क्वेश्चन पेपर पे टिक हो गया तो उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोलते हैं भले ही लोग, करना नहीं चाहिए पूरा, लेकिन फिर भी अगर हो गया है, छूट गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इवेल्युएट होगा आपका पेपर। यानी कि June 24 में अगर बात किया जाए ओवरऑल, तो ये जो 45 से 55 वाले बीच में है वो कम ही बच्चे हैं। जैसे पहले भी मुझे पता चला रिव्यू के अकॉर्डिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हालांकि कॉल करके आप कितना पता कर सकते हो बताओ, कॉल करके आप कितना, 10 15 20 लोग एक ही बार कॉल किए,
उससे पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 55 से 65 तक अटेम्प्ट किए हैं, और उनका कहना था कि मैंने आराम से इतना कर लिया। वहीं कुछ लोग मिले जो 45 से 55 किए, और उनमें से मिनिमम बच्चे ऐसे मिले, मिनिमम कौन, जो 65 to 75 अटेम्प्ट किए, और बोल रहे हैं कि ठीक है एक दो तीन या फिर हो सकता है 6-7 क्वेश्चन हमने ऐसे ही अटेम्प्ट कर लिया, बट पेपर ठीक था, उनके अकॉर्डिंग पेपर बहुत बढ़िया। और सेक्शन में टफ की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन जो बहुत टाइम ले रहे थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 3 क्वेश्चन, आपको पता होगा कौन कौन से थे, स्टैट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, थ्योरी से डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कुछ क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे, मतलब वो होता है ना सारा फॉर्मेट आपको बनाना होता है, तो फॉर्मेट बनाने में जो टाइम लगता है, तो वैसे क्वेश्चन थे जो देखकर लग रहे थे कि सोल्व हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत हो रहा था। सर सिर्फ ऑप्शन सा रॉन्ग, विल आई गेट मार्क्स? हाँ बिल्कुल, अगर ऑप्शन ही गलत है तो फिर तो मार्क्स मिलेंगे, ऑप्शन गलत मतलब आप स्टूडेंट्स का टाइम ले लिए हो, और बेवजह ही टाइम लिए हो, तो उस पर जो है वो आईसीआई खुद कहती है कि दे अलॉट मार्क्स, अगर गलत ऑप्शन प्रिंट हुआ है या गलत क्वेश्चन हुआ है तो मार्क्स देंगे, ग्रेस आपको मिल जाएगा। और फिर से बताऊं, 50% टफ था, मतलब ऐसा नहीं कि सोल्व भी नहीं होने वाला था, लेकिन ऐसा था कि 50% लग रहा था कि क्वेश्चन में नया देख रहा हूँ, कुछ चेंज भी देख रहा हूँ, लेकिन बाकी 50% मटेरियल के जैसे ही क्वेश्चन थे, मटेरियल के ही सारे नहीं थे, मटेरियल के जैसे ही थे 50%, मतलब अच्छा खासा सोल्व कर लिए होंगे बहुत लोग। और पेपर तो टाइम पे नहीं हो पाया भाई, बहुत लोग थे ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तो 55 किया 60 किया लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, ग्रेस मिलेगा एक क्वेश्चन में टेबल मिसिंग थी, बिल्कुल मिलेगा भाई, जब मिसिंग है तो मिलेगा ही मिलेगा। और टाइम नहीं बचा, मैं मानता हूँ आप लोग में से जितने लोग बोल रहे हैं 55 65 ऐसे कि अटेम्प्ट किए हैं, पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया, टाइम आपके पास नहीं बचा था, सच्चाई बात बताना आपके पास क्या टाइम बचा था, आप में से कोई नहीं होगा जो बोलेगा कि मेरे पास टाइम बच गया था, नहीं, आपको पता था कि आप 4-5 क्वेश्चन और है जिसको आप आराम से सोल्व कर सकते थे अगर 3-4 मिनट मिल जाता तो, और वो ऐसा नहीं हो पाया टाइम कम होने के बाद। मैं 34 पे श्योर शॉट हूँ और 50 मार्क का तुक्का किया हूँ, क्या पास हो सकता हूँ भाई? मैं बताऊँ आपको, मैं जब पहला अटेम्प्ट दिया था ना मैथ्स का, पहली बार 33 अटेम्प्ट किया था मैं, और बाकी में एक भी टिक नहीं किया, और पूरे 33 मार्क्स ही आए थे मेरे, मतलब जो मैं अटेम्प्ट किया था, पहले अटेम्प्ट था यार, उतना पढ़ते लिखते नहीं थे हम लोग, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, ऐसे ही सारे स्टूडेंट दे दिए, कोई भी मेरे साथ वाला पास नहीं हुआ था सिवाय एक स्टूडेंट, वो बहुत मेहनती था, वो कहीं जाकर पढ़ा था, बेवजह ही हम लोग दे दिए थे सेल्फ स्टडी में, 33 अटेम्प्ट किया था और 33 आया था, आगे कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया था। और आप आगे अटेम्प्ट किए हैं तो हो सकता है अगर उसमें से 4-5 क्वेश्चन सही हो गया, अगर 5-6 क्वेश्चन इवन अगर 40 चाहिए ना, हाँ तो 6-7 अगर सही हो गए, 16 में से 8 अगर सही हो गए, 16-17 में से 8, तो आप पास हो जाओगे। बाकी गॉड नोज, 63 किया है, 35 फिक्स फिक्स सही है, और बाकी का भगवान जाने, अगर इतना सही है ना भाई 35 6, तो फिर हो सकता है कि आप पास हो जाओ। अब देखो भाई, एमसीक्यू पेपर नहीं मिलता, पहली पॉलिसी तो ये है कि आईसीआई अलाउ नहीं करती कि आप पेपर लो, हालांकि कहीं से वो अथॉरिटी वाले ही सर्कुलेट करते हैं शायद, कोई वहीं से अगर वो मिल जाती है तो मैं आपको दे दूंगा। सोल्यूशन बनाने में टाइम लगेगा इस बार, क्योंकि 100 out of 100 पूरे श्योरिटी के साथ सही बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है भाई। ठीक, क्वेश्चन मिलेगा तो मैं तुरंत डाल दूंगा, मिलेगा क्वेश्चन और डाल दूंगा, जुगाड़ कुछ जुगाड़ जुगाड़ ही तो है भाई, जुगाड़ से ही तो वो आता है, मतलब थोड़ा सा वो लोग भी जो है ना वो इस पेपर को सेंट्रलाइज्ड उतना नहीं रखते, कुछ लोग डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हैं और पब्लिक के बीच में वो आ जाती है, सभी के पास नहीं आती, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पास आती है, तो अगर आपका वहां पे पकड़ है तो वो मिल भी सकता है, अभी नहीं बाद में ही 2-3 दिन बाद। और ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे करेक्ट ही हो गया, ये जो लोग रिव्यू दिए थे स्टूडेंट्स मुझे कि 45 से 55 क्वेश्चन जो वो लोग अटेम्प्ट किए हैं, सॉरी 55 to 65, ये एक एवरेज उनका रिव्यू था, और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे मिले जिन जो 45 से 55 किए, और उनसे भी कम मिले लेकिन मिले, जुगाड़ करो सर प्लीज पेपर का, कर देंगे भाई, तुरंत नहीं करेंगे प्रियांशु भाई, क्योंकि देखिए अभी जो है वो हर चीज जो है वो 38 का करेक्ट अटेम्प्ट किया हूं, क्या ऐसे 2-3 ग्रेस दे देगा पास होने के लिए भाई? 2-3 तो ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन ही गलत है,
ठीक है, एक दो तो क्वेश्चन ही गलत है तो उस पर तो मिल ही जाएगा, जिस टाइम मैथ्स पेपर वाजी थी। बट विली को भी हार्ड, ई को कभी हार्ड नहीं रहा है भाई, ई को कभी हार्ड नहीं रहा। जो आप पढ़े हो और थोड़ा सा भी देखे हो, अब लॉ में क्या होता है आपको लिखना रहता है सारे वैसे प्रूफ, इसमें तो लिखना नहीं है, थोड़ा सा भी याद आया तो आपको ऑप्शन क्लिक हो जाता है वहां पे। इको हार्ड नहीं आएगा, लेकिन जो न्यूली एडेड चैप्टर्स है, मैं अगेन कहूंगा न्यूली एडेड जो चैप्टर्स है, जैसे नेशनल इनकम वाला हो गया, बाकी के जो भी चैप्टर्स है इंटरनेशनल, ये सब मनी मार्केट, उसको वहां पे परफेक्ट तरीके से, लास्ट वाले क्वेश्चन तो देखोगे ही देखोगे मटेरियल के, एक बार पढ़ कर जाना, सारे पेजेज पढ़ लेना लाइन बाई लाइन। पता है क्या, वहां पे जब पेपर देने जाओगे ना, तो 20 से क्वेश्चन, कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको मटेरियल के बीच के किसी लाइन से एमसीक्यू बनाया हुआ होगा, जो कि क्वेश्चन जो बना हुआ है चैप्टर क्लास में उससे मैच नहीं करेगा, समझ लो मटेरियल से ही सारा बनेगा। चार पांच क्वेश्चन में मान सकता हूं, हो सकता है ना, लेकिन बाकी सारा मटेरियल से होता है इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू। हाँ, सारा इकोनॉमिक्स का मटेरियल से ही बनता है, देख लो भाई। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट का नाम जरूर देखकर जाना, ये लो मैं दिखा देता हूं आप लोग को। और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे सारे इकोनॉमिक्स का नाम आपको याद हो जाएगा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं देखो कितने सारे हैं, और सारे का नाम याद हो जाएगा आपको। सर 52 अटेम्प्ट किया हूं लगभग, 45 श्योर है, तब आप श्योर रहिए, 45 श्योर होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, 42 43 आराम से मिल जाएंगे आपको। ये देखो कितने सारे साइंटिस्ट जो हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशनड है। 2-3 मार्क्स से अगर कम हो गए 200 के लिए, तो क्या आईसीआई पास होने के लिए मार्क्स देगा? देखिए रेयर क्वेश्चन है और ये रेयरली ही ऐसा हुआ है, लेकिन मिलता जरूर है। अब कुछ लोग आप देखेंगे ना कि 1 मार्क्स के लिए वो फेल हो रहा था और उसको फेल ही कर दिया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें वो पास भी कर दिया। तो पास भी करता है फेल भी करता है, और पास होने वाले के चांसेस ज्यादा है। ग्रेस कभी कभी ऐसे भी दे देता है भाई, आप लॉ के पेपर में देखना, आप बनाओगे कुछ और दे देता है कुछ और, आप अपना कॉपी मंगवाओगे तो देखोगे कि मेरा तो इसमें 52 ही दिखा रहा है मेरा टोटल, और जो आपका रिजल्ट बनता है उसमें दिखा रहा है कि आपका 57। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी ग्रेस ऐसे भी मिलते हैं, 4-5 नंबर का भी ग्रेस मिलते हैं, आप सोचोगे हाँ इतना मार्क्स का, बिल्कुल, और बेवजह मिल जाता है लॉ में, लॉ में सबसे ज्यादा मिलता है भाई। और 1-2 मार्क्स से फेल होने वाले कम बच्चे हैं, लेकिन हैं जरूर, यानी कि बाकी बच्चे जो 1-2 नंबर से फेल होते हैं उनको पास भी किया जाता है। ग्रेस मिला लॉ में, हाँ मिलता है एमसीक्यू पेपर में, ग्रेस मिलता है एमसीक्यू पेपर में, जैसे 1-2 क्वेश्चन अगर गलत है तो मिलेगा, जैसे इस बार भी लोग बोल रहे हैं कि 1-2 सस्पेक्टेड है कि गलत है, मिलेगा उसका ग्रेस। ग्रेस मिलता है, और ये तो कोई इकोनॉमिस्ट के नेम, ये जरूर देख कर जाना भाई, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस इन विच डील्स विद वेल्थ, जेबी से वे, यहां पे देखिए WE से वे और यहां JB से। खैर सर अगर मैंने 85 अटेम्प्ट किया है बट उसमें से 60 राइट हैं, तो 75 का चांसेस कितना है? अगर 60 सही है ना भाई, तो आप ऐसा मान लो 66 या 67 के चांसेस हैं, 75 का चांस कम है भाई, 75 का लिटरली बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि 85 आपने अटेम्प्ट किए टोटल और 60 में श्योर हो, और बाकी जो थोड़ा सा मार्जिन है 25 मार्क्स का मार्जिन है, गलत होगा तो जो आपका सही है उससे भी डाउन जाएगा, उससे भी मार्क्स कटेगा 0.25, तो आपका 67 68 हो सकता है सही हो, लेकिन आप 75 का कह रहे हो, इतना बड़ा मार्जिन नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स इज वाट, इकोनॉमिक्स डू, जय कू डू, क्या ट्रिक है यार ब्रो, प्रिंस खंडेलवाल ब्रो 50, मेरी सिसोरिया सर 60 का अटेम्प्ट कराया है, 48 पे श्योर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर 48 पे आप श्योर है ना पास हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो आप 60 अटेम्प्ट किए ना उसमें से अगर 2 भी सही हुआ, जो आप 15 टिक मारे, अगर 2-3 भी सही हुआ, हाँ रॉन्ग क्वेश्चन थे आज के पेपर में, अगर 2-3 क्वेश्चन भी सही हुआ तो आप जो 48 कह रहे हो ना वो सीधा 52 हो जाएगा, 2 भी सही हुआ तो,
48 का आप अटेम्प्ट किए हैं और 12 पे टिक मारे हैं, अगर दो तीन भी सही हुआ ये कितना हो जाएगा टोटल करेक्ट? टोटल करेक्ट आपका हो जाएगा 50। अब 50 करेक्ट हुआ और 10 अगर इनकरेक्ट ही है तो उस 10 के इनकरेक्ट का कितना माइनस करेगा? 0.25। तो 2.5 माइनस हो गया, यानी कि वैसे भी आपको 47.5 मिल ही जाएगा। और भी गलती हो गई तो भी आपका 45 तो कोई रोका ही नहीं। यस, सम क्वेश्चंस वेयर रॉन्ग टुडे, द ऑप्शंस वेयर रॉन्ग एंड सम वेयर नॉट एडिंग अप प्रॉपरली। हाँ, ऐसा अगर है तो फिर आपके चांसेस हैं ग्रेस मिलने का। स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स, इक्स, इंस। यहां पे साइंस सर रॉबिन्स, ये सब जरूर देख कर जाना इकोनॉमिक्स के लिए कल के लिए। यहां पे मैं चाहता तो मैथ्स की सिर्फ बात करता, लेकिन दिखा देता हूं आपको ताकि ये फायदा हो जाए। 98 का अटेम्प्ट किया है ब्रो, 90 श्योर है? व्हाट भाई, तुम लोग कैसे पढ़ते हो भाई मैथ्स? 12th विदाउट मैथ्स वाले से पूछना जो कॉमर्स लिया था, फाउंडेशन उनके कितनी बुरी हालत हो जाती है। पास हो जाते हैं वो भी, बहुत बुरी हालत हो जाती है भाई। आप 98 का अटेम्प्ट किए हैं, सैल्यूट है भाई। आप 8 तुके मारे, दो और तुके मार दिए होते यार 100% पेपर करके आते, मजा आ जाता। यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन इंड्स, एस आ गया, यहाँ पे भी लास्ट में एस, रॉबिन्स। देख लो रॉबिन्स वाले जो जो भी डेफिनेशन है सब में लास्ट में एस आ रहा है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एस रॉबिन्स, साइंस एस रॉबिन्स, इंड्स एस रॉबिन्स। वाह, चॉइस यहां पे भी स आ गया और रॉबिन्स। ओ माय गॉड भाई, जो कर रहा है मजाक मत कर। देखो मजाक नहीं करते, लिटरली मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 अटेम्प्ट करके आते हैं। मतलब मैं बताऊं आपको, दो 300 स्टूडेंट ऐसे होते हैं हर अटेम्प्ट में जो 100 का अटेम्प्ट करके आते हैं या 90 एबव का अटेम्प्ट करके आते हैं। ये रियलिटी है भाई। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टडी। ये भी रॉबिन्स भाई साहब लिखे बुक। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस से याद रखिए, सिग्निफिकेंस, रॉबिन्स। बस एक और ट्रिक बताता हूं। फादर, TH आ गया ना, तो एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ, TH, फादर, और लास्ट में इसमें स्मिथ में TH आ रहा है और यहाँ पे TH। वेल्थ, यहाँ पे भी TH, यहाँ पे भी TH। देखो क्या ट्रिक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ, यहाँ पे भी TH, यहाँ पे भी TH, एडम स्मिथ। देख रहे हो, स्मिथ वाला याद करना भी बहुत आसान है। रॉबिन्स वाला का क्या बोलाऊँ, लास्ट में एस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, च्वाइस होगा, इंट्स होगा, साइंस होगा, ऐसा सब रॉबिन्स होगा उसका आंसर। मतलब हाँ थोड़ा चलता है थोड़ा बहुत, और स्मिथ वाले में TH जरूर मिलेगा। वेल्थ, वेल्थ, फादर। अब यहां पे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, ये तो क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे। किस में था? हिस्ट्री का चैप्टर 1, हिस्ट्री का चैप्टर 1 था, उसमें ये वर्ड था कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल जो कॉन्सेप्ट दिए थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के। कम्युनिस्ट पार्टी वाला पॉइंट था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल जो थे वो दिए हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। ओके ओके ओके, ठीक है सर। दिस टाइम व्हाई वाज अकाउंट्स पेपर डिफिकल्ट? सर अटेम्प्टेड 50, विल आई क्रॉस 40 इफ यू आर रॉन्ग? हाँ, अगर आप 50 अटेम्प्ट किए हो ना और अगर 45 आपका करेक्ट है तो आप पास जाएगा। मजाक कर रहा था, स्ट्रेस मत ले भाई। ये लो भाई, मजाक ही चल रहा है हर जगह। इकोनॉमिक्स वाले नाम में याद रखना। और देखिए क्या है, गिफेन गुड्स, ये तो नाम से ही गिफेन है, तो सर रॉबर्ट गिफेन। यहाँ पे देखिए वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल साहब दिए, ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, लाइफ ऊपर भी लाइफ की बात किया था, नीचे भी एल आ गया, एल मार्शल। और क्या, हाँ भाई पता था तू मजाक कर रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेटिव साइंस, NM, एल्फ्रेड मार्शल। आप यहाँ पे साइंस पे रॉबिन्सन मत समझ रहे,
नॉर्मेटिव साइंस की बात कर रहा है। नॉर्मेटिव कौन दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल। कंज्यूमर सरप्लस अल्फ्रेड मार्शल। मतलब जो चैप्टर है ना वो यूटिलिटी और क्या क्या था, कंज्यूमर सरप्लस, ये सब मतलब जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो भी दिए हैं वो अल्फ्रेड मार्शल साहब दिए हैं। देख लीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टाइम एलिमेंट, कंज्यूमर सरप्लस, कार्डिनल अप्रोच, मतलब जो जो टर्म्स पढ़ने हैं किसमें, जो यूटिलिटी के बारे में, कंज्यूमर यूटिलिटी के बारे में, तो उसमें सारे मार्शल साहब ही दिए हैं, देख सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, C4 कॉम्पिटिशन, C4 कैम्बरलिंग। डिस्टिंक्शन जो दिए हैं सेलिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट में, C4 कॉस्ट, C4 चैम्बरली। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसका तो जैसे डी से डेमोन्स्ट्रेशन, डी से डुशेन बेरी। वेबलेन, वेबलेन नाम भी वेबलेन। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंज्यूमर, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन कौन दिया है? थ्रस्टिन वेबलेन। डॉक्ट्राइन थ्रस्टिन, देख रहे हो थोड़ा सा मैच हो रहा है। ट्राइन टी सब्स्टिट्यूशन हिक्स एंड अलेन, ट्यूशन अलेन, ऐसे समझ ले, एलेन नाम का कोई ट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसने दिया था? एलेन ने। ओके 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 स्वाम, मैं अब लाइव बंद कर दूंगा, ठीक है? अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ दी लाइव। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, चाहे इकोनॉमिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में, पेपर के बारे में, ग्रेस, जो भी पूछना है। ऑर्डिनल हिक्स एंड एलिन ही दिए हैं। ऑर्डिनल यहाँ पे भी नल, अल अलेन, सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन अलेन, और क्या कॉफ डगलस, ये तो डगलस साहब ही दिए थे। इनोवेशन एंटरप्रीनियर इसका देखिए लास्ट में है, इनोवेशन इज द ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रीनियर अस कंप्यूटर, देख लो मिल रहा है ना, TER EUR, नर टर एंटरप्रीनियर कंप्यूटर मिल गया। स्विजी स्पॉल मॉडल, पॉले स्विजी दिए हैं। थोड़ा सा ट्रिक भी यूज किया करो, ऐसे फ्लक्चुएशंस एंस आ रहा है, यहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस, इफेक्टिव डिमांड, एन एन यानी कि केन्स, काइंस कहो या केन्स, विदाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू ऑफ माई लाइफ। एनी डाउट्स इफ यू हैव देन यू कैन आस्क। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं टेलीग्राम पे चेक कर लेता हूँ। ओहो ये क्या बोल रहा है, पेपर तो ठीक ठाक था, हार्ड था थोड़ा। ओके कोई भी आपका क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एनी क्वेरी, आंसर बताओगे सर? आंसर बताऊंगा अभी नहीं, मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा आप लोग को 2-3 दिन में, ठीक है ना? आप लोग आंसर खुद देख लेना या किसी टीचर को, हो सकता है मैं क्वेश्चन में दे दूंगा। और भी जितने यूट्यूबर्स हैं उनका मेरे पास अप्रोच है, मैं उनको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन, वो लोग आपको सोल्यूशन बनाकर दे देंगे, ठीक है? और एनी क्वेरी? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो कैसा गया है आपका पेपर? आप लोग वोट देख रहे हो, 62% हार्ड बोल रहे हैं भाई, पोल पर देख लो, 62% लोग हार्ड बोल। खैर जैसा भी पेपर था ठीक था। ये वाले बच्चे थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं, 55-65 वाले भाई, आंसर बताओ, बता देंगे भाई, क्वेश्चन पेपर मिलने दो। ये थ्योरी वाला पेपर नहीं है कि क्वेश्चन आप आराम से लेकर आ जाते हो, ICI इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखती है अपने पास, तो आंसर तो तभी मिल पाएगा जब क्वेश्चन मिलेगा, और जब क्वेश्चन ही सेंट्रलाइज्ड हो तो बाकी लोगों को कहाँ से मिलेगा। हालांकि कुछ अथॉरिटी वाले से ही सर्कुलेट होता है क्वेश्चन पेपर, और 2-3 दिन के बाद हो जाएगा, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन
पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड पक्का कर दूंगा। क्वेश्चन अभी नहीं मिला भाई, क्वेश्चन मिलेगा मैं जरूर अपलोड करूंगा, जरूर अपलोड कर दूंगा, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। या हो सकता है मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूं कि हाँ क्वेश्चन मिल चुका है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आपका पेपर कैसा गया है आप लोग जरूर बताना, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही गया होगा। इस बार पेपर अच्छा था मैथ्स का, इतना भी बुरा नहीं था कि आपका हाल जो है वो बुरा हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात, 55 से 65 तक बनाने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, जो कि एक अच्छी न्यूज है। ये बताता है कि पेपर जो था वो ठीक ठाक था, नहीं तो पिछले अटेम्प्ट में क्या होता था, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते, बहुत सारे जो बोले मुझसे तो 45 अटेम्प्ट हुआ लेकिन मैक्सिमम उसमें मुझे लग रहा है गलत है, 4-5 तो हमने टिक ही मार दिया। ऐसे ही जो लोग 50 अटेम्प्ट करते थे और बोल देते थे कि नहीं मैंने तो ऐसे ही क्लिक कर दिया, वो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। लेकिन इस बार 55 से 65 तक बनाने वाले निगेटिव वाले कितने हैं, 0.25। अगर आपका एक गलत है तो उसका 1 मार्क जाएगा, और बाकी जो सारे करेक्ट हैं उसमें से 0.25 मार्क्स डिजर्व होता है। और भाई इस बार पता है आपको, जो लोग अच्छे से मेहनत किए थे ना, थोड़ा सा होता है ना कि एग्रेसिवली मेहनत कर लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा, तो वैसे स्टूडेंट 65 to 75 भी अटेम्प्ट किए हैं, सोचो। और सेक्शन की बात करें तो एलआर में 2-3 क्वेश्चन आपको भी लगा होगा जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 3 क्वेश्चन था जो लेंदी था, ऐसा मतलब स्टूडेंट से पता चला है। स्टेट्स में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी एमसीक्यू में थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले भी थे, और तो और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आराम से बन सकते थे, टाइम लेते 10 मिनट और बन जाता, 2 क्वेश्चन बन जाता, लेकिन उनका फ्रेमिंग करना फॉर्मेट बनाने में टाइम लग रहा था तो टाइम ही नहीं बचा। वहीं मैथ्स का जो पोर्शन है अपार्ट फ्रॉम स्टेट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एलआर, तो जो मैथ्स का एक्चुअल में पोर्शन था वो 50% ऐसा था जो कि पाले नहीं पड़ रहा था कि हाँ इसका आंसर मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँ और बनाऊँ, ये लेंदी है, लेकिन 50% ऐसा था कि थोड़ा सा टाइम दूंगा तो ये बन जाएगा, ऐसा भी था। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, मैं 100% स्टूडेंट्स में से 92% स्टूडेंट्स की बात करूँ कि उनको लग रहा होगा कि अगर थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो वो पेपर को और भी अच्छा कर लेते, 92% ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, और किसी का क्वेरी है कुछ, कोई भी अगर आपका क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ, ग्रेस, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं भी लाइव ही हूं। ठीक है, तो आपको जो क्वेरी हो आप पूछ लीजिए जो क्वेरी, अदरवाइज इधर जो मैं पोल क्रिएट किया था उसमें से पता चल चुका है कि पेपर बहुत लोगों के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए नहीं, थोड़े से ज्यादा ही, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा हार्ड लगा। ओवरऑल बात करो तो ठीक था पेपर, ठीक था भाई पेपर, ठीक था पेपर, वाज गुड जी। सोल्यूशन से यार प्रसाद, अभी देखिए सॉल्यूशन तो क्वेश्चन मिलेगा तभी बना पाएंगे, और क्वेश्चन ऐसे सर्कुलेट नहीं करती आईसीआई। जो एमसीक्यू पेपर है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया है मैथ्स, तो इसका एमसीक्यू जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आईसीआई कभी रिलीज नहीं करती, कभी रिलीज नहीं करती, समझ रहे हो, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, ये उनके रूल्स में ही नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव जो पेपर है, जो एमसीक्यू पेपर है उनका क्वेश्चन पेपर रिलीज करे। तो इसके लिए क्या है, कुछ कुछ लोग अथॉरिटी वाले ही कभी कभी रिलीज कर देते हैं तो मिल जाता है, तो मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। लॉ अकाउंट्स का अच्छा गया बट आज के पेपर में 43 अटेम्प्ट कर पाया, क्या पास हो पाऊंगा, इको अच्छा गया तो इको अच्छा करो भाई, अमन भाई, अमन आदिल जो भी है, आप इको अच्छा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का आप पास हो जाओगे, 43 अटेम्प्ट किए हो ना, और अगर 43 बिल्कुल आपने श्योर अपने माइंड से किया है, कोई तुक्का नहीं लगाया है, तो आप पास हो जाओगे मैथ्स में, बिलीव मी। अकाउंट्स लो आपका अच्छा गया ना, चिंता छोड़ो मैथ्स का, आराम से इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करो, और अगर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा चला गया और अगर 1-2 नंबर से आप बच भी रहे होंगे तो आपको वो मिल जाएगा नंबर, चिंता मत करिए, क्योंकि जब आप 250 तक क्रॉस कर रहे होते हो ना तो आईसीआई भी मेहरबान हो जाती है, आपको मार्क्स दे देती है। और जैसे आप बोल रहे हो 43 अटेम्प्ट कर पाया,
तो वो आप खुद से ही किए होंगे, मुझे नहीं लगता तुक्के लगाए होंगे। और नहीं अगर तुक्का लगाए हैं तब तो आप श्योरली पास हैं, क्योंकि बहुत रेयर होता है जब आप सही टिक मार के आए हो, मैथ में सॉल्यूशन बनाकर टिक मारे हो और आपका गलत होता है। ग्रेस मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कैसे मिलता है? जब क्वेश्चन गलत हो, जैसे लोग बोल रहे हैं जो 100% पेपर सोल्व करने वाले बच्चे हैं, उनको पता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसा था जिसका ऑप्शन कुछ और ही था, और कुछ को तो ऐसा भी पता चला कि क्वेश्चन ही अलग था। तो उसके लिए आपको ग्रेस मिल जाएगा। भाई थोड़ा लॉ का पेपर ठीक गया है, 72 मार्क्स का किया था, तो भाई कितने मार्क्स मिलेंगे? भाई जब लॉ का पेपर अच्छा किए हो ना और 72 करके आए हो, तो 40 आपका श्योर है, 40 बिल्कुल श्योर है, मतलब फेल तो नहीं होने वाले। अब 50 आएगा, 55 आएगा, वो जो कॉपी चेक करेगा उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन फेल कभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने बेवजह कुछ भी लिख दिया होगा, आप बना कराएंगे ऐसा मुझे मान। नहीं, एमसीक्यू पेपर में अगर आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया है तो उसके लिए ग्रेस मिल जाता है। रॉन्ग वाला जो है उस पर आपको ग्रेस मिलता ही मिलता है, चाहे आप अटेम्प्ट करें ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है भाई। थ्योरेटिकल तो है नहीं कि आप अटेम्प्ट करोगे तब भी उसमें मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको टाइम टाइम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लग जाता है एमसीक्यू पेपर में, समझ रहे हो? बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन में आप समझ नहीं पाते, कुछ गलत क्वेश्चन भी होता है तो आप उसमें सोल्व करने लगते हो, तो उसमें समझ में लगता है कि नहीं नहीं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो मैच कर रहा है ना। अब ऑप्शन में जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो 1 मार्क्स के लिए भी आप बहुत टाइम डिवोट कर देते हो। इसलिए सर लॉ में मैंने 95 का अटेम्प्ट किया है, उसमें 2 कंक्लूजन गलत था 7 मार्क्स का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंक्लूजन गलत है ना तो मान लो 3 3 नंबर अगर कट भी गया तो 6 नंबर ही आपका कटेगा। कंक्लूजन अगर गलत है तो प्रोविजन का मार्क्स मिल जाता है। पेपर आज का अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था। मकवाना से यार अकाउंट 78 श्योर सॉर्ट, लॉ 53, मैथ 47, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मार्क्स है। अब कुछ नहीं करना, इकोनॉमिक्स में आराम से 60+ लाओ जो कि ठीक है आ जाता है, और पास जाओ। मैं 41 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हूँ, श्योर भी हूँ, बस बता रहा। हाँ 41 का किए हो ना, 41 का किए हो, देखो रिस्क पे हो 41 किए हो तो, क्योंकि क्या पता कुछ ऐसा भी ऑप्शन दे रखा हो जो आपने सोल्यूशन बनाया और वही ऑप्शन वहां पे भी है लेकिन वो गलत है, कोई और सही आंसर होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि 39 या 38 ऐसा आ जाता है, तो हालांकि ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि वैसे भी फेल होते हैं बच्चे, लेकिन पास कर दिया जाता है भाई, इतना तो दे ही देता है। मेरा एक दोस्त था, उसका सब में पास था और आरटीआई से कॉपी मंगवाया, लॉ में 31 था और वो पास हो गया। मैं सोचो हो गया, पिछले अटेम्प्ट में पास हुआ था, सोचो। अब यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे ग्रेस नहीं मिलता, सोचो 31 मार्क्स था भाई आरटीआई से मंगवाने पर लॉ में, उसको 40 देकर उसको पास करवाया गया, समझ रहे हो? तो कभी कभी ना बहुत आप लकी होते हो कि आप पास हो जाते हो। क्या भाई ऋतिक आज के पेपर 90+ अटेम्प्ट किया, 70 पर कंफर्म है, 15 में कंफर्म नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, 15 में कंफर्म नहीं होना फिर भी सब ठीक है, आपका 80 कंफर्म आने वाले हैं कंफर्म। सर 95 का किया है भाई, अगर ऑनलाइन भी पैर छुआ जाता ना तो मैं ना आप लोगों का पैर छूता कि आप लोग 75, 85, 95 कैसे अटेम्प्ट कर लेते हो भाई मैथ्स में। मैं बताऊँ मैथ्स में मैं शुरू से ही वीक, 10th में मेरा 67 मैथ्स में आया था, इसलिए 12th में मैं मैथ्स लिया ही नहीं कॉमर्स से, मुझे पता भी नहीं था कि मैं सीए करूंगा, फिर मैथ्स पढ़ना पड़ा, फिर मैथ्स की वजह से ही फेल हो गया था। 200+ मार्क्स था फाउंडेशन में और मैथ्स की वजह से रह गया, फिर अगले अटेम्प्ट में मैं पास हो गया। सूरज श्रीवास्तव 60, अच्छी चीज़ है, 60 अटेम्प्ट किया आराम से पास हो। मैं अब इको की और तैयारी करता हूँ, फिर इको में ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा और हो जाएगा बिल्कुल। भाई मैं बस 58 कर पाया भाई, अकाउंट नहीं गया अच्छा, 60 ही लिखा हूँ, 36 तक हूँ लग रहा, 36 तक। अगर आपको लग रहा है कि आपने सही सही सोल्व कर रखा है तो जो आप गलत सोल्व किए हो उसे स्टेप मार्किंग मिलेगा, आप 40 क्रॉस कर जाओगे। और जो 58 का आप बोल रहे हो ना भाई कि 58 का कर पाया, मैं जब पास हुआ था ना 46 पर पास हुआ था, और उसमें भी दो क्वेश्चन आई थिंक कि मैं गलती से टिक किया था ऐसे ही बेवजह। फाउंडेशन टफ हो गया है, हो हाँ होता है थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस के कारण हो गया है। सर अगर एग्रीगेट बन जाएगा 200 का, बट किसी एक सब्जेक्ट में रह जाता है तो ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम कितना देता है आईसीआई? 5। ये वो लोग खुद बोले थे एक सेमिनार में, वो लोग एक्सेप्ट किए थे कि 5 मार्क्स हम दे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स को वो लोग नहीं भी देते हैं भाई, मैंने खुद देखा है, लेकिन दे देते हैं। 57 किया, बहुत अच्छा किया मेरे भाई, 57 जो मार्क्स है उसमें से आपका 50 तो तय है, 50 तो मैं ही दे देता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ 3 4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप तुक्के जरूर मारे होंगे, लेकिन बाकी में आप श्योर हैं, मुझे ऐसा लगता है। एवरेज आता तो 25% रिजल्ट क्यों आता? ओफो
भाई एवरेज कोई भी पेपर नहीं होता, पढ़ने पर सब कुछ होता है, एग्रीगेट सबको नहीं देते। हाँ ऐसा सही है सर। कैन वी गेट मैथ्स पेपर ऑनलाइन टुडे? नो, यू कैन नॉट गेट मैथ्स पेपर बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन आईसीआई पॉलिसी। आईसीआई नेवर रिलीज क्वेश्चन पेपर ऑफ एमसीक्यू पेपर्स, नेवर। कैसे करूं इको में 90 तक एग्रीगेट बनाना है। इको के लिए अब क्या करो, एक बार तो बैक साइड के सारे क्वेश्चंस देख लो आप, ठीक, और टाइम बचे तो जो नए चैप्टर्स आए हैं उसके बीच बीच के सारे लाइन पढ़ लेना, क्यों, क्योंकि उसी से क्वेश्चन सर। 5 साल तिहाड़ जेल, क्यों भाई? भैया मैथ्स का आंसर शीट मिल सकता है? मैथ्स का आंसर शीट नहीं मिल सकता भाई, ये आईसीआई का रूल है कि वो पेपर रिलीज करते ही नहीं है एमसीक्यू वाला, भले ही कभी मिल जाता है, कैसे भी हो सकता है थ्योरिटी वाले या कोई ऐसा होता है ऊपर से ही क्वेश्चन रिलीज कर देते हैं तो अलग चीज है, लेकिन रिलीज नहीं होता। अटेम्प्ट किया है 45, एक भी तुक्का नहीं लगाया। हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं तुक्का लगाया था, 46 बनाया था और उसमें 2 क्वेश्चंस का तुक्का लगाया था, फिर भी पास था मैथ्स में, सोच सकते हो, फिर पास हो गया। सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो भाई दीपक। जो लोग क्वेश्चन मांग रहे हैं और सोल्यूशन मांग रहे हैं उनको मैं एक चीज बात बता देता हूँ, मैथ्स का पेपर कैसा था सबका रिव्यू लेना, लेने के बाद सबका रिव्यू लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 50-60% सोल्वेबल पेपर था, यानी कि एज पर मटेरियल में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन उसमें भी था, क्वेश्चन पेपर में भी जैसे मटेरियल में क्वेश्चन थे वैसे ही, हो सकता है फिगर इधर उधर हो लेकिन वैसे ही क्वेश्चन, मतलब हाफ जो पेपर है वैसा ही क्वेश्चन था मटेरियल के क्वेश्चन के जैसा। जो लोग मटेरियल पूरा अच्छे तरीके से सोल्व किए होंगे उनको पता होगा कि हाँ अब इस बार वो लोग 60 आराम से अटेम्प्ट किए हैं। हार्ड है क्यों, क्योंकि पेपर में कुछ चेंजेस जो है वो पकड़ में नहीं आया, प्रैक्टिस के कारण ऐसा हुआ। इजी था सर पेपर, हाँ ठीक है, जैन मेहता ऑप्शन रॉन्ग था क्या 3-4 सम्स का? ऐसा तो लोग बोल रहे हैं, 1-2 का तो मैं अभी ही देख लिया। भैया फाउंडेशन में 300+ लाने से कुछ इंटर में हेल्प होती है क्या? हेल्प तो नहीं होती लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ आपने 300 लाया है तो आगे कुछ कर पाओगे। 12 वेयर बाई गेस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आप 55+ लाओगे दीपक, पक्का लाओगे, खुशी जाए सर 58 अटेम्प्ट किया है। देखिए खुशी बहन आपने 58 किया है, अगर उसमें से मैं मानता हूं अगर 8 क्वेश्चन का भी आपने तुक्का मारा है फिर भी आप पास हैं। सर आंसर रॉन्ग थे 2 क्वेश्चंस के, हाँ ऐसा भी, जो लोग सभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं ना सभी क्वेश्चन, और वो लोग कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग थे तो उनको पता है कि हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत थे, मतलब ऑप्शन गलत था, तो जब ऑप्शन ही गलत था तो उसके लिए ग्रेस मिलता है। गोलू भगोरिया 60 अटेम्प्टेड, और अगर 60 अटेम्प्टेड और अगर इवन 12 क्वेश्चंस यू हैव जस्ट एस्टिमेटेड फिर भी आप पास हो। पास विद एग्जम्पशन और पास में क्या फर्क है? पास विद एग्जम्पशन में पास है कि आप सारे पेपर में 60+ लाए हो, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप ओवरऑल 70% क्रॉस कर चुके हो तब ऐसा होता है पास विद डिस्टिंक्शन। 52 में से 3-4 तुक्का है, पास हो भाई। भाई 50 तक भी हो और अगर 2-3 तुक्के मारे हो तो पास हो आप, क्योंकि बाकी जो आप 48 तक सही से आप गए हो, ठीक है, अब सही से गए हो मतलब आपने खुद सोल्यूशन निकाला और आंसर टिक किया, अगर उसमें 1-2 गलत भी होता है भाई तो आपको कितने मार्क्स कटेंगे? धीरज पांडे 100% अटेम्प्टेड, देखो भाई आपके भी मैं पैर छू रहा हूं, ठीक है, तो चिंता मत करना। पेपर में क्या है कि आंसर जो आप लाते हो ना कैलकुलेट करके जो ऑप्शन में मिलता है वो एक्चुअली में सही ही होता है, 99% सही ही होता है, क्योंकि आप कैलकुलेट करके लाए हो, और 1-2 अगर उसमें गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। एल आर वॉज टाइम कंज्यूमिंग, सर टाइम कम था, ये देखो मैंने पहले ही लिख रखा है भाई, मैंने पहले ही लिख रखा है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कुड कंप्लीट, कुड नॉट लिखना चाहिए था, कुड कंप्लीट दियर पेपर, मतलब अच्छे से कर सकते थे लेकिन टाइम ही प्रिवेल हो गया, टाइम सच में प्रिवेल हुआ था, नहीं तो लोग और भी मार्क्स लाते इसमें अच्छे से कर लेते, टाइम कम था बिल्कुल सर, सारे एग्जाम अच्छा जाए और सिर्फ एक खराब जाए तो उसमें ग्रेस मिलता है आपको, 4-5 नंबर का ग्रेस मिलता है, लेकिन बाकी जो जिसको आप कह रहे हैं अच्छा गया वो बहुत अच्छा जाना चाहिए। 60 अटेम्प्टेड, इफ यू हैव अटेम्प्टेड 60 एंड 50 विदाउट एनी एस्टिमेशन देन यू आर पास्ड इन मैथमेटिक्स, आई एम अप्रूविंग इट। आकाश एसपुरी सर मैंने 64 अटेम्प्ट किया है, 3-4 तुक्का मारा है। अगर आपने 10 भी तुक्का मारा है ना भाई, या फिर आपने 4 तुक्का जैसे मारा है बोल रहे हो, 5 तुक्का मारे हो, और अगर जो सही बने उसमें से अगर 6-7 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो भी आप पास हो,
सर मेन प्रॉब्लम टाइम का ही था, टाइम का ही प्रॉब्लम होता है मैथ्स में। एल आर सो इजी, 47 अटेम्प्ट किया है सर, और अगर उसमें से दो तीन गलत भी होते हैं तो भी आप पास हो। 47 अटेम्प्ट किए हो ना, तो इतना श्योर जरूर हो गए आप कि 43 या 42 आप बिल्कुल करेक्टली सोल्व किए हो। 43 या 44 आप करेक्टली सोल्व किए हो। अगर आपने करेक्टली सोल्व किया है तो टेंशन मत देना, करेक्टली सोल्व इन सेंस कि आपने सोल्यूशन बनाया और तभी टिक किया, तब आप श्योर हो। लॉ में फेल हूँ ऐसा नहीं होता, लॉ में आप ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी स्टेप मार्किंग होता है। कितना मिलना चाहिए ग्रेस इसमें? तो अभी तो फिलहाल 1-2 मार्क्स का ही सर। लॉ में अगर प्रोविजन में सेक्शन लिखा है बट 50% लेमन लैंग्वेज है तो मार्क्स कट होगा क्या? ज्यादा ज्यादा 1 मार्क कटेगा। यस सर, 4-5 क्वेश्चन ही तुक्का मारा है, तब चिंता मत कीजिए। तीसा जी यू आर पास। सर 30 तो ठीक है पर बाकी 20-25 का नहीं पता है क्या है। कोई बात नहीं, सही होगा सर। एग्रीगेट आना भी बहुत जरूरी है, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। आपका अकाउंट्स अच्छा गया, लॉ अच्छा गया और मैथ में इतना कम आ गया कि एग्रीगेट ही नहीं कर पाए। इसके लिए क्या है? इकोनॉमिक्स। कौन सा इकोनॉमिक्स? ये वाला इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, और मैं मानता हूं अगले दिन आप अच्छे करोगे। 639 परफेक्ट किया है, और अगर बाकी सब्जेक्ट में 200 टच होता है तो ग्रेस मिलता है। ऐसे केसेस में मिलता है ग्रेस, बाकी में आप 200 टच कर गए और एक में 2-3 नंबर भी कम हो रहा है तो मिल जाता है। सोल्यूशन करोगे अपलोड? आईसीआई मॉड्यूल लाइन बाय लाइन सर इको के लिए टिप्स दीजिए। आईसीआई मॉड्यूल लाइन बाय लाइन, बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप करके जाओगे ना तो सारे एमसीक्यू में से 40% एमसीक्यू तो लाइन बाय लाइन में से ही डाला रहता है। टेम किया 4-5 तुक्के हैं, और अगर 45 आपने सही किया है और 4-5 तुक्के हैं तो आप पास हो। लेकिन वो 45 कैसा होना चाहिए? बिल्कुल आपने उसका सोल्यूशन खुद हाथों से सोल्व किया और ऑप्शन में जाके सीधा क्लिक किया, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं सोचा, वैसा ही ऑप्शन मिला, तब आप श्योर रहना हो। वैसे भी आप 45 अच्छे से किए हो, बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारे हो तो आप पास हो। 69 अटेम्प्ट किए, पास हो भाई 69 किए हो तो, और अच्छे से अगर 55 भी किए हो तो पास हो। अकाउंट्स लॉ का मैथ्स का सबका बदला लेगा तेरा इकोनॉमिक्स, बिल्कुल लेगा। ब्लेसिंग फॉर 17 इको हो जाएगा पार्थ माह, सॉरी सर लॉ में 30-40 मार्क्स के क्वेश्चन में विदाउट प्रोविजन डायरेक्ट एस्टिमेशन लगा के 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया, कितने आ सकते भाई? कोई जरूरी नहीं है सेक्शन लिखना, विदाउट प्रोविजन लिखे हो डायरेक्ट एस्टिमेशन। देखो प्रोविजन लिखना जरूरी होता है, वो मेन कोर होता है, अगर वो नहीं लिखते हो तो हाफ मार्क्स आप वहीं पे खो चुके हो। आपका फैक्ट और कंक्लूजन के बेस पे 2 मार्क्स दे सकता है या 1 मार्क्स ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। 60-65 के बीच में अटेम्प्ट किया है, 6-7 तुक्के हैं, और जो तुक्के हैं अगर उस तुक्के का छोड़िए और जो आप सही सही बनाए उसमें भी 3-4 अगर गलत हो जाता है तो भी आप पास हैं। मोर देन 50 आपका मार्क्स वेट कर रहा है, तो अब आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपका हो जाएगा। सर लॉ में 55 का अटेम्प्ट किया है, पास हो जाऊंगा? अरे भाई 55 का किए हो, 40 आना मुश्किल नहीं है? किया है 17 तुक्के। ओ हो 17 तुक्के, 17 तुक्के में से अगर आपका 6 क्वेश्चन सही हुआ ना, 7 क्वेश्चन सॉरी, 17 में से 7 क्वेश्चन सही हुआ ना भाई लियोन ट्रॉज, तो आप पास हो। सर लॉ में अगर सब सही है प्रोविजन केस स्टडीज कंक्लूजन तो भी मार्क्स कट जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन में 1 मार्क्स काट लेते हैं, सब कुछ भी सही होता ना तो भी 1 मार्क्स, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में नहीं। लॉ में 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किए हैं, किया है एक, हाँ, बहुत रेयर केस में। मैं तो इंटर में पिछले अटेम्प्ट में मैं लिखा था लॉ में खुद से ही, और आउट ऑफ मार्क्स मिला था, मतलब जो जो 5-5 नंबर के थे उसमें 5-5 मिला था, जबकि सारा लैंग्वेज मेरा था, लेकिन एक फ्लो में लिखा था, एक अच्छे फ्लो में लिखा था। लॉ अटेम्प्टेड 95 मार्क्स। ओ हो, आप तो पास हैं भाई लॉ में। मैथ्स का देखिए, जितने लोग हैं यहाँ पे मैथ्स का आप लोग सोल्यूशन या क्वेश्चन मांग रहे हैं, तो आईसीआई कभी भी एमसीक्यू पेपर का रिलीज ही नहीं करती क्वेश्चन, कहीं भी नहीं। कभी कभी होता है मिल जाता है तो सही है, लेकिन ऐसे रिलीज नहीं करती है। उसमें ऑलमोस्ट प्रोविजन सही है, अगर प्रोविजन सही है तो मेन कोर प्रोविजन होता है। अगर सारे क्वेश्चन में आपका प्रोविजन सही है, कंक्लूजन गलत भी है, तो अगर 5 मार्क का है तो 2 मार्क्स तो आपके प्रोविजन पे ही मिल जाता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग चेक होता है तो प्रोविजन पे आपको मार्क्स मिलते हैं। प्रोविजन गलत कभी नहीं होनी चाहिए, प्रोविजन गलत हो जाता है ना बहुत दिक्कत। बाबिता पीटी 64 अटेम्प्टेड, देखिए 64 आप अटेम्प्ट किए हैं और अगर 6-7 में तुक्का भी मारे होंगे तो आप पास हैं। लॉ में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हूं और 44 पेज भरा हूं बिना तुके के, अरे भाई साहब
सर लॉ 80 का करेक्ट अटेम्प्ट है, तो कितने आ सकते हैं? अगर करेक्टली अटेम्प्टेड 80 किए हो तो भी, अगर लो भी चलो तो 65 से कम आपको मिलने वाले नहीं है, 65 आराम से मिलेगा। सर 52 अटेम्प्ट किया है, 5 6 डाउट है, क्या होगा अब बताओ? 5 6 अगर डाउट है मान लो, तो 5 6 में से एक दो तो सही होगा ही होगा, ठीक है, और बाकी का 46 तो आपका श्योर है कि सही है, यानी कि 48 आना चाहिए, और गलत में से कटेगा भी तो कितना, एक दो मार्क, 45 आपका श्योर है। फिर 95 अटेम्प्ट किए हैं तो कितना मिलेगा? 95 अटेम्प्ट किए हैं ना, और अगर अपना लैंग्वेज यूज किए होंगे, 60 आपका वेट कर रहा है, 35 डाउन 60। लो 85 का अटेम्प्टेड, वाह बहुत अटेम्प्ट किया भाई, 4300 अटेम्प्ट करने पर कुछ लोगों को 44 40, तो दिक्कत है ना भाई, अगर 100 मार्क्स का आप अटेम्प्ट किए हो और टोटल कुछ भी लिख दिए हो लॉ में, तो वैसे में मार्क्स नहीं मिलता, एक फ्लो होना चाहिए लॉ का, मतलब ऐसा नहीं कि सारा लैंग्वेज बुक का ही हो, लेकिन आपका एक आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए भाई, नहीं तो 100 में से 42 और 43 क्या वो 30 भी दे सकता है। कौंडिल्य भैया मेरे हिसाब से मैथ्स हार्ड नहीं था, बस टाइम का प्रॉब्लम हो गया, 2 घंटा इज नॉट इनफ। अरे भाई वो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 घंटा इज नॉट इनफ, ये देखो टाइम प्रिवेल हो गया भाई, टाइम प्रिवेल हो गया, टाइम आगे चला गया, ये देखो रिव्यू मिला है ऐसा स्टार्टिंग में ही, मैंने 4:30 बजे इसको पोस्ट किया, 5 बजे सॉरी, कि टाइम प्रिवेल हो गया था। 59 अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से 8 9 तुक्के हैं, अगर तुक्के में से 2 3 सही हो गए तो फिर भी आपका 50 वेट कर रहा है, बुक की लैंग्वेज है, वाह थोड़ी बहुत ही मेरी है, हाँ तो भी आप पास हो जाओगे, बुक की लैंग्वेज है ना, पास हो जाओगे। सर आज का पेपर में कुछ रॉन्ग ऑप्शंस थे, हाँ रॉन्ग ऑप्शंस थे ऐसा मैं बोला भी हूँ, वो टावर और स्टेशन वाले का क्या आंसर था? आंसर बुक का लिखा है, हैंड राइटिंग थोड़ा खराब, हैंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है भाई, हैंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं, को चाहे वो थ्योरी पेपर हो, एमसीक्यू पेपर में तो होता ही नहीं है, बस थ्योरी पेपर में बिल्कुल भी लेने देना, सीएम में बिल्कुल हैंड राइटिंग से लेना देना नहीं, अगर नहीं विश्वास है तो ऑल इंडिया रैंक 1 का पेपर देख ले सकते हैं आप लोग। ईस्ट, ईस्ट आंसर है भाई, और जो मैं और 25-30 लोगों से रिव्यू लिया था वो कॉल पे ही, अरे भाई दिल हल्का कर दिया, थैंक्स। अच्छा ईस्ट ही आंसर मार के आया, वो रिव्यू जो था वो बिल्कुल सही भाई, कि 50% हार्ड लग रहा था, सोल्व हो जाता 50% क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। इको में कैसे एग्जेम्पशन लाएं? बहुत इजी है, इको में एग्जेम्पशन लाना सबसे इजी है। सर एक बार क्या है बताओ प्लीज, क्या दिल्ली के में थोड़ी बहुत ही मेरी है, अगर थोड़ी बहुत भी आपका थोड़ा बहुत बुक का है तो नंबर मिल जाता है मेरे भाई, टेंशन मत लेना। 76 अटेम्प्टेड किया है मैथ में और 15 से ज्यादा तुक्का नहीं होगा, मान लो आपका 20 तुक्का है और 20 तुक्के में से सिर्फ 4 क्वेश्चन सही हैं, ठीक, तो 76 में से 20 घटा दोगे तो 56, और जो 4 सही हैं यानी कि 60, तो कितना भी कम आएगा तो 55 आपका वेट कर रहा है, कितना भी कम आएगा तो 3 4 तो सही हो जाएगा ना भाई, 20 में से 3 4 भी सही हो गया। ईस्ट दूसरी साइड से देखना था टावर को, तो पेपर जो है वो 55 से 65 बहुत लोगों को आने वाला है मेरे ख्याल से, और 5 तो लगभग मैक्सिमम लोग होंगे इसमें। सर अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन रॉन्ग आया था, ग्रेस मार्क मिलेगा? रॉन्ग हुआ तो जरूर मिलेगा, हालांकि जब मैं बना रहा था तो मुझे लग रहा था थोड़ा कॉन्सेप्ट इधर उधर किया है, और वैसा क्वेश्चन एक बार और आया था, पेपर जैसा भी गया लिव इट एंड फोकस ऑन इको एंड स्कोर 80+, इफ यू 200 प्लस यू विल गेट, बिल्कुल सही बात है। सनराइज 86 अटेम्प्ट किए उसमें 9 ही तुक्के थे, अगर मान लीजिए 15 भी तुक्के हैं फिर भी आपका 70 कोई नहीं हटा सकता, और रेलवे स्टेशन का फेस्ट वेस्ट से था। सर एक डाउट है, अगर OMR ज्यादा अच्छे से नहीं भरा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, मतलब क्या नाम ये सब भरने में गलती हुई या रोल नंबर भरने में गलती हुआ, किस में गलती हुआ है आपका, मतलब हो सकता है अगर OMR आप फील कर रहे हो आंसर का तो उसमें अगर प्रॉपरली हाफ से मोर, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक है, वरना अच्छे से आप कर दिए हो तो वो काउंट होता है, इवेल्युएट होता है, 92 ही हो पाए भाई, 92 की और बोल रहे हो 92 ही हो पाए, ये क्या भाई, बाकी लोगों को तो आप जीने नहीं दोगे, 50 55 वाले फिर तो 55 अटेम्प्ट किए हैं, 5 6 तुक्के हैं, पास हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे भाई, 55 तुक्के, आप ये समझो ना कि 5 6 जो आप तुक्के मारे हो 55 में से, 5 6 में से 2 क्वेश्चन भी सही हुआ तो बाकी गलती को वो कंपेंसेट कर देने वाले हैं, समझ रहे हो, पास हो।
वन सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड। कैमरा ऑन नहीं था भाई, बताओ। सर लॉ में 42 आ रहे हैं, अकाउंट्स में 55, पास हो जाऊंगा आज। हो जाओगे, क्या दिक्कत है? इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स ला लेना, हो जाओगे पास। एक मिनट, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, मैं अभी आया। ओके गाइस, आई एम बैक। क्या डाउट था? यू आर गेटिंग 54 54। वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड। 51 अटेंड किया है, 10 ठीक है, पास हो जाएंगे 10। मतलब 10 तुक्के हैं ऐसा बोल रहे हो? 10 तुक्के में से 4 भाई तुक्का सही होना चाहिए आपका, तब पास हो जाओगे। 10 में से 4 तुक्का सही बना, पास हो जाएगा। जाए लेस देन वाले का क्या आंसर था? रफ वर्क रब करने को बोला और इसलिए OMR भरने के लिए ज्यादा टाइम मिला। पता है जिसको भी ऐसा, देखिए आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से, तो क्वेश्चन पेपर गंदा नहीं ही किए होंगे, तो इतना स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं है यार कि थोड़ा सा अगर कुछ लिखा भी होगा तो आपका जो है वो पेपर ही इवेलुएट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सितंबर वाला हूँ, डर लग रहा है। देवांश पटेल, क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन पेपर मिलता ही नहीं है भाई। एक चीज़ फिर से मैं आप लोगों को कहता हूँ, जितने व्यूअर्स हैं, ICI स्ट्रिक्टली इस चीज़ को प्रोहिबिट करती है कि क्वेश्चन पेपर रिलीज हो MCQ पेपर का। MCQ पेपर का वो कभी क्वेश्चन रिलीज नहीं करती। अब आप सोचो, एक-एक स्टूडेंट से रिव्यू लेकर के कौन सा क्वेश्चन था, क्या था, एस्टिमेशन, या फिर हो सकता है थ्योरिटी वाला ही क्वेश्चन रिलीज कर देते हो, फिर 3-4 दिन के बाद क्वेश्चन मिल जाता।
सर मैंने 67 का अटेम्प्ट किया और 10 अगर गलत है तो पास हो जाऊंगा मैं, प्लीज से बताओ। बिल्कुल पास हो जाओगे भाई, 10 क्या 15 भी गलती होंगे तो आप पास हो जाओगे। इसमें क्या 67 अटेम्प्ट किए हो भाई, 15 भी गलत हो गए तो कितना कटेगा, 20 नंबर, 47 आपका आ जाएगा। ग्रेस मार्क्स विल बी अवेलेबल, यस ग्रेस मार्क्स इज अवेलेबल बिकॉज आई थिंक वन और टू क्वेश्चन वे आर रॉन्ग और मे बी दियर ऑप्शन वे आर नॉट प्रॉपरली गिवेन। 46 अटेम्प्टेड, उसमें भी 5-6 रॉन्ग। ओ अगर वो 5-6 में से 2 भी सही हुआ और आपने 46 अटेम्प्ट कर रखा है और उसमें 2 सही हुआ, देन यू आर पास। सितंबर का हार्ड आएगा ना? नहीं, जैसा पेपर अभी है वैसा ही पेपर सितंबर का होगा। और मैं आपको बता दूं पहले से क्या चलता आ रहा है एक फॉर्मूला, कि जून या मई में जो होता है एग्जाम जून वाला, वो दिसंबर में जो होता था पहले उससे हार्ड होता था जून वाला, यानी कि जो अभी दे रहे हैं वो हार्ड होता है, दिसंबर वाला आसान होता है, ऐसा होता है। तो हो सकता है सितंबर वाला आसान हो जाए और इकोनॉमिक्स पर फोकस करता सर, फिर पक्का हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाओगे। लो भाई इकोनॉमिक्स का मैं क्वेश्चन लेकर ही बैठा हूँ, और इकोनॉमिस्ट का नाम जरूर याद करके जाना मेरे भाई, जरूर इकोनॉमिस्ट के नाम, जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, क्या दी है, ये चीज जरूर याद करके जाना। 58 अटेम्प्ट करे हैं, 18 अगर गलत हो तो पास हो पाएंगे? आपने अगर 18 तुक्के मारे हैं ठीक है, और अगर 4-5 भी सही हुआ तो आप पास हैं, 18 में से सिर्फ 4-5 की बात कर रहा हूं। ग्रेस मार्क्स सबको मिलेगा कि जिसने अटेम्प्ट किया, सबको मिलेगा ना भाई, एमसीक्यू पेपर है साक्षी, थ्योरी तो है नहीं कि कुछ लोग अटेम्प्ट किए होंगे स्टेप मार्किंग के वजह से तो सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे तो एमसीक्यू पेपर है, यहाँ पे तो सभी को मिलना चाहिए। हर्ष नो दीदी, देखिए अब दिक्कत होता है क्या ना, कि ग्रेस का एक क्राइटेरिया है कि वो सभी स्टूडेंट को ग्रेस नहीं देते। सर कितना ग्रेस मार्क है? ग्रेस मार्क्स 2 क्वेश्चन तो भी मिला है, हालांकि 3 बार से इजी आ रहा था पेपर, इस बार लंका लगा दिया, 72 पे अटक गया, जिसमें भी 12 तुके हैं भाई, 22 अटेम्प्ट किए, बहुत अच्छा है। आमिना सैयद भैया 45 अटेम्प्टेड श्योर, अगर 45 जो आप अटेम्प्ट किए हो, थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेट्स के, उसको अच्छे से किए हैं ठीक है, उसको अच्छे से किए हैं, और जो सॉल्यूशन वाला है उसको खुद से सॉल्यूशन कैलकुलेट करके जो आंसर आया उस पे, वैसे उसके बेस पे टिक किए हैं, तो आप श्योर रहिए आप पास हैं 45 पर भी, क्योंकि मैं 46 पर अटेम्प्ट किया था और 2 क्वेश्चन मैं गलत बनाया था, मुझे याद है 2 तुक्के मारा था और मैं पास हो गया था मैथ्स में। 52 अटेम्प्ट किया हूँ हमजा हुसैन, अच्छा है, बहुत अच्छा है, 52 अच्छा है, अगर आपने खुद से सब कुछ सोल्व किया है तो अच्छा है। मैं सेंटर से निकला था, डर लग रहा था बहुत, अब सही है पास हो जाऊंगा, मैंने सोचा था 40 भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि 40 भी नहीं आएगा। अगर आपने जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप कुछ कुछ सही से अटेम्प्ट करते हो ठीक है, मान लीजिए मैंने 45 ही अटेम्प्ट किया, लेकिन मुझे पता है कि जो मैं अटेम्प्ट किया, मैंने काउंट किया 45, वो मैंने खुद से सोल्व किया है, मैंने तुक्के नहीं लगाए, मैंने खुद से सोल्व किया और जो आंसर आया उसके बेस पे ऑप्शन टिक किया है, तब आप श्योर रहिए। और अगर तुक्के मारे हैं 4-5 में और अगर आपने 55 अटेम्प्ट किया है तो भी आप पास हैं श्योर। अगर एग्जाम हार्ड हो तो ग्रेस मिलते हैं, ग्रेस मिलता है वो हर केस में मिलता है, कुछ लोगों को ही मिलता है, लेकिन मिलता है क्या फाउंडेशन एग्जाम में एग्जेम्पशन मिलती है? एग्जेम्पशन नहीं मिलती भाई, ऐसा नहीं कि इस बार आपने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, किसी एक सब्जेक्ट में रह गए तो अगली बार एक ही पेपर को देना है, भले ही तीनों में 300 भी लाइए और एक में अगर आपको वो 38 देकर भी फेल करता है तो अगली बार चारों पेपर देना है। ग्रूम वाली जो चैनल है उनने क्वेश्चन पर शायद अपलोड किया है, हाँ अब अगर अपलोड किए हैं तो अच्छी बात है भाई। क्या फाउंडेशन एग्जाम में एग्जेम्पशन मिलती है? नहीं मिलती, फिर से समझ गया। और अगर किसी को बस एक सब्जेक्ट में 38-37 आ रहा हो, बाकी में 60-70, तो ग्रेस मिलेगा, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट में जैसे 60-70 आप कह रहे हो ये काफी है, और ये ICAI एक्सेप्ट किया, हालांकि सभी को नहीं देते, लेकिन अगर आपका इतना ज्यादा मार्क्स है तो आपको मिल जाएगा। ग्रेस कितना मिलता है? 5। बिल्कुल, अगर गलत है तो मिलेगा, इसराज का पेपर बहुत
नवीन गुप्ता, आज का पेपर बहुत ऐसा गया। अच्छी बात है भाई। इकोनॉमिक्स आप लोग आराम से कर लेना। अमीना सैयद, तुक्का मैंने कर रहे हैं नहीं, बस 45 मार्क्स आता था वही किए। लेकिन लेकिन पेपर का डिफिकल्टी पिछले वाला अटेम्प्ट से बहुत टफ था। हाँ, दिसंबर जून में यही तो डिफरेंस है। सर, मैंने थ्योरी में डाउट थे बस इसलिए मुझे डर लग रहा था, बट जैसे आपने कहा 67 में से 10 भी गलत है तो भी पास हो तो टेंशन नहीं है। बिल्कुल भाई, 67 में 10 भी गलत है तो टेंशन नहीं लेना है। एक दो तो आराम से सही होगा, और अगर नहीं भी हुआ, मान लो उससे भी ज्यादा आपने जो सही बनाया उसमें भी गलती है, तो भी आप पास हो यार। मस्त था दिन, चंगा हो गया। सब चंगा सी, चिंता मत करना इसका, और बाकी पेपर का तो बिल्कुल भी नहीं। और अगले अगले पेपर तो इकोनॉमिक्स है, जिसको ये देखो मैं लेकर बैठा हूँ। आप लोगों को ना मैं टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ये वाला सारा इकोनॉमिक्स के यहाँ पे नाम है, और बहुत इजी ट्रिक से सारे का नाम आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। इतना जबरदस्त ट्रिक, नहीं पूरा सब आएगा। वाह, जस्ट चिल, प्रिपेयर फॉर इको इंस्टेड ऑफ बिंग पैनिक। बिल्कुल पैनिक, चिंता मत करना, दिल खुल गया। बाग बगीचा, बाग बगीचा हो गया। सर 60 अटेम्प्ट किया हूँ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से तो कोई नहीं किया होगा भाई, इतना तो मैं जानता हूँ। देखो एक चीज़ मैं आप लोग को बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ट्रिक, कि अगर डेफिनेशन आया और वो किसी किसी पॉइंट से रिलेटेड है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी हो गया या बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना है, तो सीधा मारना मार्शल। जैसे देखो कार्डिनल अप्रोच मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच मार्शल, कंज्यूमर सरप्लस मार्शल, टाइम एलिमेंट मार्शल, डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी मार्शल, टेलीग्राम नेम, इसके नेम दिया गया नेम। मैंने तो लर्न कर रहा इकोनॉमिक्स के नेम, वो भी गए नेम। अच्छी बात है। रुको भाई, मैं टेलीग्राम का आप लोग को लिंक दे देता हूँ, एक सेकेंड। कॉपीड हो गया? हाँ, ये लो भाई टेलीग्राम का लिंक। ये पीडीएफ, यही पीडीएफ नहीं होगा, बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिक्स का पीडीएफ होगा उसमें। जो क्या कहते हैं, समरी है, समरी भी आपको मिलेगा। इको का पेपर कैसा आएगा, सिंपली बताऊं, 60% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप आराम से कर लोगे, 60 मार्क्स का, अभी बता रहा हूं मैं आप लोग को। बाकी ऐसा नहीं कि सोल्व नहीं होगा, 40 40 में ऐसा होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा कि इसका क्या होगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते ही आपको ऑप्शन पता है कि ऑप्शन में क्या दिया होगा सही आंसर, वैसा आपका 60 मार्क्स का आने वाला है। और ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कहाँ से, आप पूरा एमसीक्यू के बैक पेपर जितने हैं, बैक में क्वेश्चंस, एमसीक्यू वो पूरा पढ़ लेना, पूरे मटेरियल का, इकोनॉमिक्स का, और लाइन बाय लाइन एक बार रीडिंग दे देना, जो कि आप परसों भी दे सकते हो जाने के टाइम, क्योंकि उस दिन भी 4 5 घंटा होता है आपके पास, बस पढ़ लेना ऐसे ऐसे क्वेश्चन। 46 अटेम्प्ट करा है तो गलत है, पास हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाऊंगा, ये तो मेरे वाला बात हो गया भाई। मैं जब फाउंडेशन का सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में 200+ लाया था, जरा सोचना, और मैथ्स की वजह से मैं फेल हो गया। जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो मैथ्स में सिर्फ 46 किया, और पहले अटेम्प्ट में 33 अटेम्प्ट किया था, और कुछ अगला क्वेश्चन मैं छुआ ही नहीं कि ऐसे ही बेवजह मार दूं, नहीं मारा था, और 33 लाया था, 33 अटेम्प्टेड एंड गॉट 33। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं उसमें 46 अटेम्प्ट किया था, जिसमें 2 में तुक्के मारा था, और मैं पास हो गया था मैथ्स में, पास हो गया था उतने ही अटेम्प्ट करके। तो अगर आपने सही सही, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अपना सॉल्यूशन बनाएं, जो आंसर आया उससे आंसर मैच के ऑप्शन में, तो वैसा अगर आप बनाए हैं और सारे बनाए हैं तो हो जाएगा। इको का सिंपल सा टिप्स मैं देता हूं यादव भाई, 46 अटेम्प्ट किया ना, और एक दो अगर मैं बताऊं आपको, अगर गलत भी होगा ना तो आप पास हो जाओगे। ये 46 में तुक्के नहीं होनी चाहिए, एक दो से ज्यादा तुक्के नहीं होनी चाहिए। अगर एक दो तुक्के मारे हो और बाकी सारे सही सॉल्व किए हो, तो भी आप 46 में 42 43 लाकर पास हो जाओगे, रियलिटी बता रहा हूँ। और अगर उससे भी कम, अगर 40 से कम आता है, 38 39, और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे आप स्कोर कर पाते हो, तो आप पास हो जाओगे। अब सुनो, एक ट्रिप्स इकोनॉमिक्स का एक टिप्स देता हूँ, एक टिप्स तो यही है जो आप सभी जानते हो, कि पूरा जो मटेरियल में एमसीक्यू है वो पढ़ लेना है, उसके बाद आपको जो है वो बीच में मटेरियल है उसे पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि बीच में से भी एमसीक्यू होता है। तीसरी चीज जो आप इग्नोर करते हो वो पता है क्या है,
फर्स्ट ईयर पेपर वो तो अलग चीज है, मटेरियल के लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में समरी दिया हुआ है, और उस समरी में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मटेरियल पढ़ोगे तो वो पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो समरी हर एक चैप्टर का देख कर जाना, लास्ट दिन जरूर देख लेना भाई, अभी जो पढ़ना है पढ़ो, लास्ट दिन समरी देख कर जाना हर एक चैप्टर का, हाफ पेज का समरी होता है हर एक चैप्टर का, उसको पढ़ कर जाना, उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे एमसीक्यू हर बार 5-10 नंबर का एमसीक्यू बना है भाई। प्रोविजन सही लिखा है और कंक्लूजन होंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। प्रोविजन अगर गलत हो जाता तो हो सकता है आपको मार्क्स बिल्कुल भी ना मिले, लेकिन अगर प्रोविजन सही है तो 2 मार्क्स आपको वहीं मिल जाते हैं। 46 अटेम्प्ट किया, 2 गलत है, पास हो जाऊंगा? बिल्कुल। आईसीआई को क्या दिक्कत है? आईसीआई को दिक्कत है भाई, उन्हें ना परसेंटेज। सर एक डाउट था, जैसे अकाउंट में बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो मार्क्स नहीं मिलते हैं? मिलता है, मैच हो ना हो, इनकम एक्सपेंडिचर मैच नहीं हुआ, आपका ट्रेडिंग अकाउंट मैच नहीं हुआ, पीएनएल मैच नहीं हुआ, सारे पोस्टिंग ठीक थे, 1-2 गलत हो गया तो भी मार्क्स आपको मिलते हैं। कैसा गया पेपर दोस्तों? अब दोस्तों से ही पूछो भाई, इसको तो मैंने पिन कर रखा है। चौदह सौ वोट हुआ है भाई, 1400। आप सीए बन गए? नहीं नहीं मेरे भाई, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ मैं, सीए नहीं हूँ, और अभी घर पे हूँ, गांव पे हूँ। 60 अटेम्प्टेड हूँ, 55 आ जाएगा विदाउट तुक्का। अरे भाई 60 अटेम्प्ट किया और विदाउट तुक्का, तो आपका 55 तो वैसे भी श्योर है, बिल्कुल श्योर है। आप कितना अटेम्प्ट किए ये जरूर बताना। आपके कितने थे फाउंडेशन में? भाई मैं फेल हो गया था 200+ लाकर, दूसरी बार दिया था तो क्या हुआ था, दूसरी बार मैथ्स में पास था, अकाउंट्स में पास था, लॉ में पास था, इकोनॉमिक्स में पास, सारे में पास था भाई, मैं पास हो गया बस भाई। 43 अटेम्प्ट किया, पास हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाऊंगा, अगर सारे सही हुए और खुद से बनाए हो तो। हर गलत क्वेश्चन पे 1.25 कटेगा, हाँ 1.25 ही कटेगा भाई। आप अगर एक क्वेश्चन गलत किए हो तो आपका 1.25 कटेगा, 1 तो गलत किए वो तो 1 चला ही गया, बाकी सही में से भी 0.25 कटता है, यानी कि टोटल 1.25। अकाउंट्स में 50 और लॉ में 60 आ जाएंगे, और मैथ में कितने आएंगे सर एक बार आप कैलकुलेट कर दो बाद में बात, कितने आएंगे मैथ में? अगर आप अच्छे से बनाए हैं, 50 और 60 के बीच में है, 4-5 ही तुक्के मारे हैं तो आप पास, क्योंकि तुक्के में भी तो 1-2 सही हो सकती है, नहीं भी होगा तो भी पास, नो प्रॉब्लम। सिक्सटी सेवन में से 10 गलत हैं तो चलो मान लिया आपके 10 गलत हैं, तो कितना आया 57, चलो उससे भी ज्यादा गलत मान लेते हैं कि आपका 12 गलत हो, तो 12 घटा दीजिए 67 से, कितना हो गया 55। 55 में से 3 मार्क्स निगेटिव वाला, तो कितना आएगा 52, फिर भी आप पास है, 50+ लाख। मैं ज्यादा लिया, आप जितना बोल रहे उससे ज्यादा मैं गलत लिया। आप ठीक है, अब पीडीएफ जरूर देख लेना भाई, मैं पीडीएफ दे दूंगा, उस पर नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स सब कुछ है उस पर अवेलेबल एक्चुअली में। और क्या क्या है, और ये तो आप लोग याद, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो याद कर लिए सारे इकोनॉमिक्स के नेम पक्का, इसे 4 नंबर का तो पक्का आएगा। राइटिंग के चक्कर है क्या, कुछ अकाउंट्स में जल्दी जल्दी में किया था? नहीं राइटिंग का कोई चक्कर नहीं भाई, वो वैसे ही प्रैक्टिकल पेपर है, आप जितना बनाओगे आपको फुल मिलेगा उतना। इंटरमीडिएट का सिंपल से यही एक्सपीरियंस है कि फाउंडेशन से 10 गुना हार्ड है, यस 10 गुना। आपको लग गया कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो जी 10 गुना, जिस लॉ से आप यहाँ पे डरते हो ऐसे ही लॉ का वहाँ पे 4-4 सब्जेक्ट्स हैं,
आपका ऑडिट, आपका लॉ, आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट्स, और इवन ये क्या कहते हैं लॉ में भी, सॉरी टैक्स में भी कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है। तो तीन सब्जेक्ट तो पक्का है आपका कि लॉ जैसा वहां पे मिलने वाला है इंटरमीडिएट में, जिसको आपको बिल्कुल एक अच्छे लैंग्वेज में लिखना होता है और याद करना तो बहुत मुश्किल। ऐसे क्यों एमसीक्यू बेस्ड पेपर पब्लिश नहीं करते? वो एमसीक्यू पेपर पब्लिश ना करने का मेन वजह ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप समझ रहे हो अनलिमिटेड का मतलब? बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एमसीक्यू पेपर में। अब थ्योरी वाले क्या है, जैसे मान लो आप अकाउंट्स का है, तो जैसा वो एमटीपी आरटीपी या फर्स्ट ईयर पेपर देखोगे तो वैसा ही क्वेश्चन आता है। हो सकता है एडजस्टमेंट अलग हो, बाकी चीज अलग हो, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होता है। आपको पता होता है कि आपको करना क्या, अब हो नहीं रहा है वो अलग चीज है, लेकिन अगर मैथ्स में अगर वैसा क्वेश्चन पेपर वो बार बार रिलीज करने लगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे उसी क्वेश्चन पे कि अच्छा ऐसा पूछता है, और उसके बेस पे वो करने लगेंगे और क्वेश्चन आ जाएगा कुछ और, फिर और दिक्कत हो जाएगा। तो एमटीपी भी जो रिलीज करती है ना आईसीएआई, उसमें आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन मटेरियल के होते हैं, पास्ट ईयर पेपर से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, जबकि पूछता पास्ट ईयर पेपर वाला भी क्वेश्चन है। तो अनलिमिटेड क्वेश्चन होने के कारण, क्योंकि इसको और रिलीज करना चाहिए था, ये लोग रिलीज नहीं कर रहे। नहीं नहीं भाई, स्ट्रेस हो जाएगा स्टूडेंट में अगर वैसा क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आया तो। कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है इंटर में? इंटर में सारे हार्ड हैं भाई, सारे, ईच एंड एवरी। अब तो 6 पेपर है, जो ओल्ड वाला था ना पेपर भाई, उसमें एक सब्जेक्ट था ईआईएस, इतना हार्ड था, इतना हार्ड ईआईएस कि मतलब मत पूछो। इतना मोटा बुक आता था, कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का, हाँ 60 या 50 मार्क्स का, और इतना हार्ड पूछता था कि पूछो ही मत। उसमें मतलब 50-60 में से भाई 15 मार्क्स लाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पार्ट बी जो था उसका वो आसान था, उसमें लोग 50 में से 50 लाने को तैयार हो जाते थे, 45 तक लाने को एकदम श्योर हो जाते थे, लेकिन उसमें 15 नंबर लाना मुश्किल। सर ये कैलकुलेट कैसे करते हो आप निगेटिव मार्किंग? बात तो मुझे आता नहीं है। निगेटिव मार्किंग तो भाई सिंपल 0.25 माइनस होता है, आप गलत करते हो एमसीक्यू पेपर में तो 0.25 माइनस होता है। और थ्योरी पेपर में तो मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अपना कॉपी पहले भी सेंड किए थे जब मैं 12th पास था, उसके बाद भी मुझे बहुत सारे फाउंडेशन के पेपर जो है या आंसर शीट दोनों मिले थे, जिसको मैं देखता था हर बार खोज खोज के कि क्या होता है कैसे होता है। तो उससे मुझे पता है कैसे नंबर कटता है और कैसे वो लोग अलॉट करते हैं मार्क्स। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है भाई, भले 4 साल का तो पक्का है, 4 साल का नहीं 2 साल का, 2 साल का सारी रात तक क्या कहीं से कुछ सोल्यूशन यूट्यूब पर आ सकता है, हो सकता है कुछ चैनल वाले डाल दें, बट इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू अपलोड मैथ्स पेपर और इकोनॉमिक्स पेपर विद इन 1 डे, इम्पॉसिबल है। और ये देखो सारी बातें जो है वो मुझे लगभग 5 बजे पता चली थी कि पेपर कैसा है, और बिल्कुल वैसा ही है, पेपर 50% सोल्व करने लायक था, 50% में ज्यादा टाइम लग रहा था। ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन पेपर अपलोड करेगा जून का? अगर हाँ तो कब तक? मुझे नहीं पता भाई कि अपलोड करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आईसीएआई की पॉलिसी है कि वो एमसीक्यू पेपर रिलीज नहीं करती है, चाहे इकोनॉमिक्स हो या मैथ्स हो। हालांकि वो अलग चीज़ है कि आप कहीं से इंतजाम कर लेते हो, और वो कैसा होता है, मान लो कोई अथॉरिटी वाले ही रिलीज कर देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर सर्कुलेट कर देते हैं तो मिल जाता है। जैसे पिछली बार मैं उसी दिन दे दिया था मैथ्स का, उसी दिन। अभी मैं लाइव हूँ तो कोशिश करूंगा कि आपको मैथ्स का पेपर मैं अवेलेबल करवा दूँ। ठीक है, शुड आई ऑफ माई लाइफ? ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, नो मोर क्वेश्चंस यू पीपल हैव? आई थिंक सो। भाई इस क्वेश्चन को देखो, 1400 लोग वोट किए हैं, जिसमें से 37% वाले मॉडरेट हैं, बाकी जो है उनके लिए ये टफ था। 1455, 56 बढ़ते जाएगा ये देखो। सर लॉ में सेक्शन रॉन्ग लिख दिया तो पूरा मार्क्स कटेगा? देखो भाई, सेक्शन अगर जब आप मेंशन कर देते हो ना, तो पूरा प्रोविजन उसी पे डिपेंडेंट हो जाता है। चांस तो है कि वो मार्क्स पूरा ही काट ले,
चांस है, लेकिन एक चांस ये भी है उस सेक्शन को वो ना कंसीडर करके आपको मार्क्स दे दे। सर एग्जाम होने के बाद क्या है बड़े आप मैथ सॉल्विंग करोगे? हाँ अगर मिलता है तो मैं सोल्व कर दूंगा, आप लोग को दे दूंगा भाई मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, आप लोग खुद देख लेना। क्योंकि कुछ टीचर्स हैं जो रिलीज कर देंगे, हालांकि वो हो सकता है 2 हफ्ते टाइम ले, विद इन 1 वीक, मुझे लगता है 2 हफ्ते नहीं 1 वीक लेंगे और वो अपलोड कर देंगे दूसरे टीचर्स। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ ठीक है, सीए इंटरमीडिएट का, तो मुझे सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं कि 60% सोल्व करके दे दूंगा, 75% सोल्व करके दूंगा, नहीं मुझे तो 100% करना होगा और एक भी गलत नहीं करना होगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर लॉ में सेक्शन गलत है प्रोविजन सही है तो मार्क्स मिलेंगे क्या? देखो प्रोविजन इज मेन कोर ऑफ एनी सोल्यूशन इन द लॉ, वेन यू आर मेंशनिंग सेक्शन दैट मीन्स योर नंबर ऑफ सेक्शन शुड बी अ परफेक्ट, अगर आपने उसको गलत किया है तो फिर थोड़ा सा आपको चांसेस बढ़ जाता है कि वहां पे मार्क्स आपको पूरा काट ले, पूरा काट ले, लिटरली बता रहा हूँ, ये एक सच्चाई है। लेकिन ऐसा भी है कि सिर्फ सेक्शन की वजह से आप जो पूरा लिखे हो वो सारे को वैल्यूएबल ना माने, ये जरूरी नहीं है, फिर नीचे वो पढ़ेगा और आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन सेक्शन गलत कोट करना थोड़ा सा आपको रिस्क पे, सिर्फ उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रिस्क पे ला सकता है। बाकी प्रोविजन लिखे हो तो ऐसा नहीं थोड़े है कि पूरा कंटेंट आपको ब्लैंक छोड़ देगा, फिर पढ़ेगा नहीं आगे, पढ़ेगा ऐसा नहीं है। और एनी क्वेश्चन? देखो भाई 1472 वोट्स हुआ है जिसमें 63% लोग बोल रहे हैं कि हार्ड पेपर। सर इस बार चेकिंग कैसी होगी? चेकिंग ठीक होगी। हार्ड चेकिंग कब होती है आपको पता है? हार्ड चेकिंग कब होती है? जब पेपर बिल्कुल ही इजी हो, बिल्कुल इजी, तब हार्ड चेकिंग होती है, नहीं तो एज यूजुअल ही होता है। भैया मैंने 80 अटेम्प्ट की है लेकिन मुझे शक है कि पास ना हो, क्योंकि मैंने लिख सब अटेंड किया है वो सही है, गलत भी है लेकिन मुझे पता है नहीं क्या है। अच्छा 80 अटेम्प्ट किए हैं, अगर आप 80 अटेम्प्ट किए हैं और अगर 40 नंबर, 40 नहीं मैं 50 कहूँगा, अगर 50 तक आप श्योर है ना, आपको लगता है कि आपने 50 मार्क्स का सही किया है तो आप पास हो जाओगे। 45 किया है पर वो सारे अच्छे से आए थे, आप मेरे वाले हो, मैं भी ऐसा ही किया था और मैं पास था, तो आप भी पास हो जाओगे। क्या होता है 45 आप किए होगे, जो थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन थे उसको तो आपको आंसर पता चल गया होगा, तुरंत टिक किए होगे, और जो सोल्व करके बनाए होगे आप, वो आप खुद से आंसर लाए होगे, तब आप पास हो। और मनीष भाई आपकी बात की जाए तो आप 80 अटेम्प्ट किए हो, देखो चांस क्या होता है, अगर आपने 40 सही किया है ना, 40 45 50 सही किया है तो आप पास हो, चिंता मत करो, क्योंकि जो आप गलत भी किए हो ना उसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि अगर 100 में से 100% में से 10% भी सही होता है दैट इज मोर देन द सुफिशियंट। क्योंकि 30 मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किया, अगर उसमें से मान लो 10 सही हुए 30 में से, जो कि मैं मानता हूं कि हो ही जाता है, ऐसा हो जाता है, तो 10 अगर सही होता तो 10 मार्क और बढ़ता भी तो है, दैट्स इट। आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा आएगा? इजी? हाँ मॉडरेट, नॉट इजी, पेपर मटेरियल से भी होंगे, अगेन आई एम सेइंग मटेरियल से आपका 40-50% मटेरियल का क्वेश्चन होगा, कहाँ से? मटेरियल के लास्ट में जो है, और मटेरियल के थोड़े थोड़े जो कंटेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको पता है कॉन्सेप्ट से होंगे। और क्या है भैया, लेकिन मैंने गिने नहीं कि 40 50 60 कित सही किए हैं, इतना शुरू श्योर हूँ, मुझे नहीं पता कितने सही है सही किया। देखिए श्योर नहीं हो लेकिन फिर भी आप मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन सही ही किए होंगे, ऐसा तो नहीं कि शुरू से ही टिक मार रहे होंगे, पास हो चिंता मत करना। भैया मैंने गिने नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है, सोल्व करें, सोल्व करने में टाइम नहीं लगा, कोई बात नहीं, थैंक यू भैया, थोड़ा सा डर लग रहा था, आप बोल दिए कि आपने भी ऐसा ही किया था। अरे भाई बिल्कुल किया है भाई, मैं 2 46 अटेम्प्ट किया था, दो उसमें तुक्के मारे थे भाई, दो सर 46 अटेम्प्ट किया, नो तुक्का, ओनली जो अच्छे से आता था, पास हो भाई पास हो, चिंता मत करो, अगर दो गलत भी हो गया ना, तीन भी गलत हो गए तो भी आप पास हो। भाई मैंने नियरली अराउंड 64 अटेम्प्ट किया, उसमें 4 5 तुक्का मारा है। आकाश भाई मान लो आपने 4 5 तुक्का मारा है और जो आपने सही से अटेम्प्ट किया उसमें भी मैं मान लेता हूँ 4 5 आपकी गलती है, तो कितना कटेगा? 10, तो 64 माइनस 10 54, और हाफ मार्क्स और 0.25 कटेगा आपका रॉन्ग होने के लिए, तो कितना आ गया आपका? 52 आ रहा है, 52 एंड समथिंग पास हुआ। सर
सर 55 अटेम्प्ट किया, अगर आपने 55 अटेम्प्ट किया है और 46 टू 47 बिल्कुल आपने सही कर रखा है तो आप पास हो। अनिश मालेकर, सर मैंने 51 अटेम्प्ट किए हैं, 10 तुक्का है। वाह, 10 तुक्के में से आपके 4 तुक्के सही हो गए ना अनिश मालेकर भाई, 4 सिर्फ 10 में से 4, तो आप पास हो, पास हो 10 में से 4 हुआ तो। और मैं जब अटेम्प्ट किया था ना 46 ही अटेम्प्ट किया था, आप लोग को बिलीव नहीं हुआ जब मैं बोला था ना सेंटर पे, मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे, भैया मजा आ गया 60 तो आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर कोई अगर 50 तक अटेम्प्ट किया और मान लो 3 गलत हो तो 47 है उसका, और जो तुक्का मारा है आगे उसमें भी तो 2-3 सही हो सकती है भाई, तो जो निगेटिव मार्क होने वाला है वो तो सही हो ही जाएगा। 50 अटेम्प्टेड 6 तुक्का, 6 तुक्का, और अगर उसमें से एक तुक्का भी सही, सिर्फ 6 में से एक तुक्का सही तो आप पास, सिर्फ एक तुक्का, 2 तुक्का भी तो सही हुआ तो भी, नहीं भी तुक्का हुआ तो भी आप पास हैं। और अगर जो 50 अटेम्प्ट के उसमें भी गलत है और तुक्का में भी एक भी सही नहीं है तो भी आप पास हैं। भाई मेरे तो क्या है लगते ऊपर डिपेंड है, पिछली बार 64 आए थे दिसंबर 23 में, लॉ के कारण लॉ के कारण रह गया था, इस बार हो जाएगा भाई, लॉ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा था भाई, इको कहाँ पढ़ूँ, बुक सिर्फ मटेरियल भाई। 70 अटेम्प्ट किया है जिसमें से 10 तुक्का मारा है, मान लो आपने 20 तुक्का मारा है तो आपको कितना आना चाहिए, 50, 20 में से 5 भी सही हुआ तो आपका 55, तुक मैं 20 गलत ही मान रहा हूँ फिर भी आपका 55, 46 थ्री तुक्का, थ्री तुक्का में से एक तुक्का सही आप पास, नहीं तुक्का सही तो भी आप पास, क्योंकि 39 पॉइंट समथिंग आएगा तो आपको वो 40 ही कर दिया जाता है। वो थोड़ा पीछे बैठ जाता और एनी डाउट्स। 1518 पीपल आर वॉचिंग इट लाइव, टीवीएम के इतने क्वेश्चंस नहीं था इस बार, अच्छा 15 क्वेश्चन नहीं थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, होगा इधर उधर होगा देखना, 10-12 तो होंगे ही। मनीष सिंगला, अच्छा अगर 39.75 है तो 40 कर देंगे, हाँ भाई वो कर देंगे भाई, 43 पे 2 तुक्का, वाह 2 तुक्का यानी 2 गलत, 41, तो 40 तो वैसे भी है भाई, कुछ सागर अग्रवाल चिंता मत करो भैया, झूठ बोले हैं हम इस बार एग्जाम नहीं दिए, वाह यार कोई बात नहीं, 43 और 3 तुक्का, सोचो 3 तुक्का में से एक तुक्का सही होना चाहिए कुछ सागर भाई, एक तुक्का सही, सिर्फ एक तुक्का सही आप पास भाई, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या, देंगे भी है नहीं, देखो मिलता तो है, अब आप उसको मंगवा नहीं सकते, जैसे थ्योरी पेपर का आप कॉपी मंगवा सकते हो तो देख लोगे कि हाँ इसमें मुझे ग्रेस मिला है, कभी कभी 6-7 मार्क्स भी ग्रेस मिलता है लॉ में, मैथ्स का मिलता ही नहीं है भाई, तो कहाँ से आप देख पाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने करेक्ट ही अटेम्प्ट किया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं रिलीज होता भैया, आप फाइनल नहीं मेरे भाई, मैं इंटर में हूं, मैं फाइनल में नहीं, 20 तुक्का मारा, बाय ब्रो थैंक यू, बिल्कुल आप जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना आराम से, किधर गया इकोनॉमिक्स का, मैं पीडीएफ ही लेकर बैठा था यार कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊं भाई, 39 वाला को 40 कर देता है, पर लग तो यही रहा है कि करेक्ट किया, अगर 54 अटेम्प्ट किए हैं और सारे खुद से ही करते गए हैं और एक दो में लग भी रहा है, 3-4 में भी लग रहा है कि आपका आप ऐसे ही कर दिए हैं तो भी आप पास हैं, चिंता मत करना, 46 47 कोई नहीं रोकेगा, लास्ट टाइम ग्रेस नहीं दिया है उन्होंने, लॉ में दिया है मेरे भाई, लॉ में दिया है, एक ऊपर स्टूडेंट था ना जो मेंशन किया था कि मेरे दोस्त को 9 मार्क्स ज़्यादा दिया था, सोचो जब वो कॉपी मंगवाया था तो फेल था लॉ में, 31 था, और जब लॉ का उसका जो रिजल्ट बना उसमें उसको पास दिखाया था, समझ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 गलत होंगे, पास हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग जो तुक्का मारे हो ना तुक्का, अब उस पे आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि भाई मैंने तो 60 अटेम्प्ट किया, 5-6 तुक्का मार दिया, तो अरे भाई जो तुक्का मारा उसमें भी तो एक दो प्रोबेबिलिटी है सही होने का, तो वो तो सारा सेटअप हो ही जाएगा, 40 टू 42 अटेम्प्टेड, कुछ कुछ में श्योर नहीं है, 42 अटेम्प्ट किए ना, तो इसमें आपका 41 मार्क्स का बिल्कुल सही होनी चाहिए, और खुद से किए होंगे तो वो सही होता है, किसी ने 100 अटेम्प्ट किया, बहुत लोग हैं जो 100 अटेम्प्ट किए, कुछ लोग 3-4 लोग मेंशन किए थे ऊपर कि मैंने 100 अटेम्प्ट किया,
सर मेरा लॉ बेकार गया है, मैंने 80 का अटेम्प्ट किया पर प्रोविजंस इतने अच्छे से नहीं लिख कर पे, बताओ, बहुत टेंशन में। देखो प्रोविजन नहीं भी लिखे होगे ना तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें तो प्रोविजन नहीं लिखना होता ना भाई, एक सेकेंड, प्रोविजन नहीं लिखना होता उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में। और डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार आया है लगभग 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का लगभग में डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो भाई उसमें तो मिल ही जाएगा मार्क्स पूरा, उसमें तो उतना कटेगा नहीं। मान लो ये कट भी गया तो उसमें आपका 20-30 मार्क्स आराम से है, 50 में से 30 आराम से हो जाएगा। अगर आपने सभी बनाया है और एक दो अगर क्वेश्चन गलत भी है और एक दो में अपना भी लैंग्वेज है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको 30 मिलने वाला है। क्या इसमें 10 मार्क नहीं मिलेगा? 10 मार्क्स मिल जाएगा भाई, आपका 40 हो जाएगा उसमें। 52-53 बनता है, मेरे लॉ में 32 थे बट एग्रीगेट 227, 23 में अभी जून 24 दिया भाई, काश पास कर दे। वो हो जाओगे भाई, हो जाओगे, चिंता मत कर। लॉ में 32 ऐसा ही मार्क्स मेरा भी था लेकिन मेरा मैथ्स में 33 था, 4-5 तुक्का है, 52 और 53 बनाए हो और 4-5 तुक्का है, आप पास हो, लिख कर ले लो पास हो। उस तुक्के में से एक भी सही हुआ तो आपका क्या होगा, 46-47, और अगर वो सही भी नहीं हुआ तो 44, सही नहीं हुआ तो 44, कौन रोक सकता है? 46 अटेम्प्ट करा, 2-3 गलत है, पास हो जाऊंगा? बिल्कुल। अगर 46 अटेम्प्ट किए हो और मान लो 3 गलत, तो 43 पे आओगे 3 गलत के लिए, मान लो 1 मार्क्स काट भी लिया तो कौन सा बड़ा काट लिया भाई, 42 से पास हो रहे। थैंक यू भैया, पास हो गया तो वापस आकर आपको बताऊंगा। कुछ लोग कॉल भी करते हैं भाई मेरे को, पिछली बार जैसे इको में से मॉड्यूल करें पीछे से आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, मॉड्यूल से मैं बता रहा हूँ, 40% क्वेश्चन तो मॉड्यूल का ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल मॉड्यूल का। और टोटल आप चैप्टर पढ़ लेते हो ना तो आपको पता चलेगा कि 70% मॉड्यूल की था। टोटल मतलब कैसे? टोटल आपने एमसीक्यू देख लिया है बैक साइड का और अंदर जो कंटेंट है वो पढ़ रखा है, प्लस जो समरी है चैप्टर के लास्ट में। आप लोग एक चीज को ध्यान देना, लास्ट के हर एक इकोनॉमिक्स के चैप्टर के लास्ट में समरी दिया, उस समरी को पढ़ना, उसमें कुछ कुछ एमसीक्यू वाले पॉइंट छुपे रहते हैं। मतलब मैंने 62 अटेम्प्ट किया है और सारे प्रोविजन करेक्ट लिखा है, बस पास तो हो जाऊंगा ना मैं भाई, प्रोविजन ही जब सही कर दिए तो हो जाओगे, हो जाओगे, चिंता मत करना। अब अच्छे हो हमारे लिए लाइव कर रहे हैं भाई, मैं अच्छा नहीं हूँ लिटरली। स्कैनर करने चाहिए क्या मैक्रो के लिए? अब देखो स्कैनर करो या नहीं करो, हो जाता है, मटेरियल देख लोगे ना तो हो जाएगा भाई। 61 अटेम्प्ट किया है, पास हो जाऊंगा? हो जाओगे, 5-6 गलत भी होगा ना मीर तो भी आप पास हो जाओगे, 10 भी गलत होगा तो भी आप पास हो जाओगे, तो चिंता मत करना उसका। ये देखो स्कैनर ही तो खोल रखा है मैंने इकोनॉमिक्स के लिए, जो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है उसको पढ़ लेना, जो माइक्रो है उसको छोड़कर माइक्रो पढ़ दोगे ना स्कैनर से तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, जैसे डेफिनेशन किसने दिया है, क्या दिया है, ये सब कुछ पता चल जाता है। सिक्सटी वन अटेम्प्ट किया है, पास जाओगे, चिंता मत करना भैया, पूरा प्रोविजन लिखा है करेक्ट, बट गलती से कंक्लूजन गलत हो जाए तो मार्क्स मिलते हैं क्या? देखो कंक्लूजन गलत हो जाएगा तो अगर 5 नंबर का है तो 2 मार्क्स कटेगा आपका कंक्लूजन गलत का, और अगर 4 मार्क्स का है तो भी 2 नंबर ही कटता है, कंक्लूजन जो है वो हाफ मार्क का होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रोविजन गलत कर दिए कंक्लूजन सही है तो हाफ मार्क, नहीं, लेकिन कंक्लूजन का 2 मार्क्स कटता है। 45 क्वेश्चंस ओनली, साक्षी अगर आपने 45 अटेम्प्ट किया है लेकिन आपको लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सही कर रखे हैं तो डोंट वरी, डोंट वरी, पास है। 2-3 क्वेश्चन गलत भी होता है, पास है आप। वो क्या था ना भाई, मैं आपको हर दिन मैं लाइव लेता, पता है आपको, हर दिन आपको जितने डाउट्स थे एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले से मैं लाइव कंटिन्यूअस लेता, दो दो तीन तीन चार चार घंटा जितना मुझको लेना पड़ता, जितना हेल्प करना पड़ता। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, वो ना कुछ कंक्रीट का काम चल रहा है भाई घर में, उधर तो लोग ना बहुत आवाज करते हैं, कहाँ मिलेगा इकोनॉमिक्स? ये लो भाई PDF, यहाँ पे देख रहे हो, ये पिन है ना, पिन है सारे, क्लिक करो, टेलीग्राम का लिंक है और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है भाई। यहाँ पे जाना, प्रोफाइल पे क्लिक करके फाइल्स पे जाना, यहाँ पे देखो सब चीज है, इको सर्च कर लो, ECU, देखो इको से हर चीज आ गया, दिसंबर का क्वेश्चन पेपर आ गया, ये देखो दिसंबर वाला आंसर के साथ, 1600 MCQ इको का दे रखा हूँ, इकोनॉमिक्स का नाम है, हर चीज है यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, PDF दे रहा, अपलोड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, इकोनॉमिक्स स्कैनर का PDF यही मिलेगा। और एनी डाउट्स माई डियर फ्रेंड्स,
और कोई डाउट है आपका? एनी डाउट्स यू कैन आस्क डायरेक्टली। मैं भी लाइव ही हूँ। लाइव हूँ ना या कट गया? नहीं, लाइव ही हूँ। ओके सर, मैंने 67 में से 10 गलत किया है, बट निगेटिव मार्किंग कैसे होती है? निगेटिव मार्किंग ऐसे होती है भाई कि 10 गलती के लिए आपको 12.5 नंबर कटेंगे, यानी कि आपको 55.5 मार्क्स दिया जाएगा। 0.25 गलत का कटता है और जो गलत है उसका एक कटता है। मतलब मैंने एक क्वेश्चन गलत किया तो एक नंबर तो वैसे भी गया, और 0.25 सही में से कटता है। तो 10 आपने गलती की है तो 12.5 नंबर टोटल कटेंगे आपका, 55.5 यानी कि 56 नंबर आपका आ जाएगा आराम से। राम राम, राम राम भाई। गुरु जी नहीं, मैं भी आपकी तरह भाई हूँ, दोस्त हूँ। आई एम नॉट अ टीचर। जय महाकाल सर। वाई वाज अकाउंट्स टफ दिस ईयर? ओ, अकाउंट्स को टफ करने का रीजन है कि वो लोग जो है क्या कहूँ मैं, स्टेप मार्किंग अवेलेबल है भाई लॉ में, तो टफ करे, कितना भी टफ कर दे, आप 5 नंबर वाले में से 2 नंबर ऐसे भी लेकर चले जाओगे, 3 नंबर लेकर चले जाओगे, गलत भी आंसर आया तो स्टेप मार्किंग अवेलेबल है, इसलिए थोड़ा सा उसको टफ करना बनता है भाई। भैया आप कहाँ से? एड्रेस बाद में पास हो जाऊंगा, आपको लड्डू भेजूंगा भाई। आपको पता है दिसंबर अटेम्प्ट का मुझे याद है, पिछले अटेम्प्ट का एक लड़का ना 11 फरवरी को मेल किया था, मैं नहीं देखा था, वो मेल बहुत पहले से कर रहा था, और वो लिटरली ही वाज क्यूरियस कि मैं आपको मिठाई भेजूंगा ही भेजूंगा, मैं पास हूँ भैया, मैं पास हूँ, मेरा एग्जैक्टली 40 मार्क्स आए हैं लॉ में, क्योंकि वो लॉ में जो लड़का है ना वो 52 या 53 अटेम्प्ट किया था, लेकिन मैं उससे पूछा था, मैं कॉल पे उससे पूछा था कि कैसे कैसे अटेम्प्ट किए हो, क्वेश्चन पेपर था मेरे पास, मैं पूछ रहा था कि किसका प्रोविजन कैसे लिखे हो हर चीज़, तो मैं उसको एस्टिमेट कर रहा था कि उसका जो है वो 40 आ जाएगा, मतलब 38 39 ऐसे आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि एक नंबर तो बढ़ ही जाएगा, और एग्जैक्ट 40 लाया था वो, और 217 लाकर वो पास था। सर ओवरऑल इस बार से CA फाउंडेशन हार्ड हो गए हैं? नहीं, हार्ड नहीं हुआ है। मैं लखनऊ से हूँ, आप कहाँ से हो? भाई मैं पटना से। भाई इस बार पासिंग परसेंटेज क्या होगा? 30%, मोर देन 30%, 30 to 35 के बीच में हो सकता है मुझे लगता है। मैं खगड़िया से। अच्छा, एक बार एड्रेस बताओ आप लोग कहाँ कहाँ से, एक बार एड्रेस कहाँ कहाँ से हो, क्योंकि मुझे तो पता चले कि कौन कौन लोग देख रहे थे। एक बिहारी 100 पर भारी? नहीं भाई, भारी कैसे यार, पटना से ही हूँ सर। ज़्यादा पास परसेंटेज कैसे होगा? बहुत लोग जैसे मेरे दोस्त हैं वो फेल होता है, लेकिन परसेंटेज ऐसे होगा ना कि जिसमें आप सोच रहे हो ना कि कम मार्क्स आएगा उसमें आपका मार्क्स आ जाता है और आप पास हो जाते हो। और क्या है, लखनऊ, गुजरात, ओ माय गॉड, कलबरी, कर्नाटका, हरियाणा, ओ। सो चिंता मत करना, पास हो जाओगे ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने 50 तक अटेम्प्ट कर रखा है, 50 से मोर भी क्या हो, 3 4 तुक्का है, पास हो जाओगे, और जितना ज्यादा अटेम्प्ट किया है और जितना ज्यादा तुक्का मारे आप भी पास हो जाओगे। बस इतना याद रखना कि जो लोग 70 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं और तो उसमें 20 से ज्यादा तुक्का नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 70 अटेम्प्ट किया, आपका कितना आया था? एग्जैक्ट मार्क्स से मैं पास हुआ था, एग्जैक्ट। सर्वर ओवरऑल रिव्यू क्या है पेपर? ओवरऑल रिव्यू यही है कि पेपर वाज सोल्वेबल, बनने लायक था, अच्छा था, टाइम के वजह से थोड़ा कम हो पाया, लेकिन सभी स्टूडेंट जो हैं उसमें से 50%, मतलब जो अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब ही नहीं है, बेवजह ही वो अपियर हुए, इस बार पढ़े ही नहीं थे, लेकिन पढ़ने वाले की बात कर रहा हूँ, वो 50+ बनाए हैं अच्छे से, उसमें से कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत हुआ वो 45 से 50 के बीच में है, लेकिन वो लोग श्योर हैं कि वो लोग 45 तक सही किए हैं, मतलब वो पास होने वाले हैं। CA इंटर मई? नहीं भाई, मई कब दिया? मई 24, हाँ ये वाला दिया हूँ, मई वाला, और मई वाला में मेरा हालत खराब हो गया भाई। एक तो 100 किलोमीटर दूर जाना,
वो भी ट्रेन से, और उस टाइम पे एक भी ट्रेन ऐसी नहीं होती जो कोई एक्सप्रेस हो, वो होता है लोकल, और उसमें भीड़ ऐसी कि मैं बता भी नहीं सकता। पढ़ने भी नहीं देते यार ट्रेन में, सोचो 2 घंटे का रास्ता है, फिर भी लोग पढ़ने नहीं देते। लास्ट टाइम रिवाइज भी नहीं करने देते थे उस टाइम पे। खैर, और एनी डाउट? फ्री मार्केट इकोनॉमी सोल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स थ्रू, कैसे सोल्व करता है, मार्केट मैकेनिज्म या प्लानिंग अथॉरिटी या दोनों से? भाई आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है? नहीं भाई, ग्रुप नहीं बनाना, रहने दो, टेलीग्राम पे है भाई आपका कोई भी ग्रुप, ग्रुप निकला बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट आई लॉस्ट माई बॉथ ग्रुप। नहीं बनाना रहे तो ग्रुप क्यों बनाना भाई, बात से टेलीग्राम है ना अवेलेबल, ये देखो ये टेलीग्राम का लिंक, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक। सर आपने बताया नहीं मुझे कहाँ हो आप, इधर आपने बताया नहीं मुझे कहाँ से हो, मिठाई सेंड करूँ? भाई पास हो जाओगे ना, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। मैथ नहीं है, सीए इंटर में मैथ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन सारे सब्जेक्ट में है। एक दो सब्जेक्ट को छोड़ दो, छोड़ो क्या यार, उसको भी इंक्लूड कर ही लो। मैथ कैलकुलेशन रहेगा, हार्ड मैथ नहीं रहेगा कि वहां पे कैलकुलेट बहुत करना, नहीं, प्लस माइनस रहता है सिर्फ, डिवीजन भी नहीं रहता। आप हंसकर बात टाल देते हो। अरे भाई क्यों, छोड़ो ना यार, टफेस्ट सब्जेक्ट इन सीए इंटर, टैक्स ऑडिट, और दोनों दोनों दो ग्रुप के एक एक सब्जेक्ट है। पहला अटेम्प्ट तो भाई मैं फाउंडेशन का जब दिया था वो बेवजह दिया था, लिटरली आप लोग को बता दूं, मतलब उस टाइम पे हमारे कोचिंग से बहुत लोग टॉपर आए थे, मेरा भी कुछ रैंक आ गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मुझे भी बुलाया गया था पुरस्कार देने के लिए। तो इतना अंदर से क्यूरियस हो गया था कि पढ़ाई ही नहीं हुआ भाई, और दिसंबर अटेम्प्ट आ गया था, तो वो अटेम्प्ट में 200+ लाया था, बट आई वॉज फेल क्योंकि मैथ्स में सिर्फ 33 था, और मैं बेवकूफ़ सिर्फ 33 ही अटेम्प्ट किया था मैथ्स में। ऐसा नहीं कि 33 मुझे आ रहा था, 33 मैंने अटेम्प्ट कर लिया और बाकी को पेपर छुआ ही नहीं हाफ आवर तक, आधे घंटे थे मेरे पास, अगर और भी टिक मारते क्या पता तुक्के मार के भी हो जाते, लेकिन अगले अटेम्प्ट में मैं पास हो गया था। क्लासेस कहाँ से लिया, इंटर का मैंने कोई क्लासेस नहीं लिया भाई, कोई क्लासेस नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास 10-12 घंटे पर डे नहीं होता, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास 10-12 घंटे पर डे नहीं होता, क्लासेस जो चलते हैं वो 10 घंटे चलते हैं और कंटिन्यूस 10 घंटे मेरे पास नहीं होते। सर एज कम्पेयर टू सीए इंटर, फाउंडेशन तो कुछ भी नहीं है फिर, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं है भाई, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं है, फाउंडेशन सच में फाउंडेशन ये एक इनिशियल स्टेज है, भले ही आगे टफ है, लेकिन इसको जब आप क्रॉस करते हो तो जो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, दैट वुड बी हाई लेवल कॉन्फिडेंस, और उसी से पास है, फाउंडेशन पूछ रहा है सर। अरे और एनी डाउट्स? है डाउट या नहीं है डाउट? आई डोंट थिंक सो, यू पीपल हैव अलॉट मच मोर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो, दे दो क्या? सर आपने थ्योरी आपने ओपन कर रखी है, ये टेलीग्राम पे चले जाओ भाई, 1 सेकेंड, क्वेश्चन
कोई फेल नहीं होता भाई, अभी इतना अर्ली में आप सोचो मत, जिस सब्जेक्ट को लेकर आप सोच रहे हो कि आप फेल होने वाले हो उसी में पास हो जाओगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये देखो ना, चैनल का लिंक है यहाँ पे, ये टेलीग्राम पे चले जाना। देखो टेलीग्राम पे जाना, प्रोफाइल पे क्लिक करना और यहाँ पे फाइल में जाना और सर्च कर लेना इको, या नहीं भी सर्च करोगे तो नीचे जाओगे तो मैं दिसंबर में ही मैं पूरा एमसीक्यू उस पर डाल रखा था पूरा। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी मिलते, 1600 एमसीक्यू भी अपलोड कर रखा हूँ, इकोनॉमिक्स के जो नाम होते हैं वो अपलोड कर रखा हूँ, स्कैनर अपलोड कर रखा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो तो पिछले अटेम्प्ट में किया था, हो सकता है उसमें से इस बार भी आ जाए, तो देख लेना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। और एनी क्वेश्चन? मैं तो 41 दिया है, एक और दो चलो गलत हो जाए तो क्या चांस है कि पास हो जाऊं? लॉ और अकाउंट बेस्ट किए थे, चांस हो जाएगा बिकॉज इफ यू हैव अटेम्प्टेड 41 एंड लेट अस सपोज दैट योर वन क्वेश्चन इज रॉन्ग, दैट मींस यू आर गेटिंग 39.75, देन यू विल बी अलॉटेड 0.25 एंड यू आर पास्ट। मेरे क्या है, मेरे क्या, मैं दिसंबर 23 में ही पास हो गया। मेरे क्या, मैं था दिसंबर, मैथ के आंसर की का वीडियो कब लाओगे? लाऊंगा भाई, क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अगर मिल जाता है तो मैं जरूर लगा। मॉक टेस्ट वाला इतना इजी क्यों होता है? वो मॉक टेस्ट है ना भाई, वो फोन नंबर। अब भाई चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोग चले जाना, फोन नंबर, ईमेल, टेलीग्राम, लिंक्डइन, हर चीज आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में चैनल पर। और एनी मोर क्वेश्चन? ओके ओके सर, आप बहुत फिजिक पढ़ते हो, फिजिक पढ़ते हो मतलब? भाई अगर एग्रीगेट बन जाए और लॉ में 2-3 नंबर कम आए हो तो ग्रेस मिलता है क्या? ऐसे केस में मिल जाता है मेरे भाई, ऐसे केस में आईसीआई भी कहती है कि दे देती है, लेकिन कुछ कुछ को नहीं देती है, ये मैं भी देखा हूँ, कुछ कुछ को नहीं देती है लेकिन दे देती है, अब थोड़ा सा ज्यादा दे रही है, ठीक है, दे देती है वो। फ्री मार्केट इकोनॉमी सोल्व्स इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स थ्रू, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें वो तो चलता है मार्केट मैकेनिज्म पे ना, डिमांड सप्लाई जो होता है, प्लानिंग अथॉरिटी पे तो नहीं चलेगा। बहुत देखो ये क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग है भाई, फ्री मार्केट इकोनॉमी सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम थ्रू प्लानिंग अथॉरिटी, मार्केट मैकेनिज्म या बॉथ? कुछ लोगों को बॉथ लगेगा। सर आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स सेल्फ करनी चाहिए या मैराथन से? इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स के लिए एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप लोग सेल्फ करो, लेकिन कैसे करो, पूरा बैक का एमसीक्यू देख लो भाई, जितना एमसीक्यू देखोगे उतना अच्छा रहेगा। थैंक्स भाई, अभी इको में जान लगा दूंगा, जान लगा दो भाई। इकोनॉमिक्स ऐसा है जिसको आप 2 घंटे में पूरा पढ़ लोगे, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, 2-3 घंटे में आप पूरा पढ़ लोगे, तो अभी भी पढ़ सकते हो, आज भी चाहो तो आप एक बार आराम से पूरा मटेरियल पढ़ सकते हो, कल चाहे तो 4 बार पूरा मटेरियल पढ़ सकते हो फिर से, कोई दिक्कत नहीं। उसका आंसर क्या होगा? मार्केट मैकेनिज्म, सही है क्या? ओहो सही है। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया है? मार्शल। सही है। अब देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बोला था कि जब चैप्टर के अंदर से कुछ कंटेंट जो भी पढ़ना है, जैसे डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, स्कार क्या था वो, सरप्लस, ये सब जो टॉपिक है उसके बारे में पूछे किसने किसने दिया है, तो आपको मार्शल मार दे, सिंपल भाई। फर्स्ट 5 चैप्टर पीवाईक्यू मिल सकते हैं क्या ही को के? अपलोड तो किया हूँ चैनल पे भाई, अपलोड किया हूँ, आप लोग देख लेना, टेलीग्राम पे जाओगे वहां पे मिल जाएगा। मार्शल तो भगवान है इकोनॉमिक्स का। ये देखो, विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट मार्केट? इनकम इनइक्वालिटी, भाई वो तो करेगा ही, प्राइवेट है तो किसी को ज्यादा किसी से कम में, फ्री इंप्लॉयमेंट, अच्छा
प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल उनका टारगेट है, नहीं है वो है कलेक्टिव ऑनरशिप, दो लोगों का मिक्स। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला आ गया। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस क्या होता है, ऑल इक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, नहीं, डिसीजंस बाय प्राइवेट इंटरप्रेनर्स, नहीं, इकोनॉमिक डिसीजंस आर पार्टली टेकन बाय बोथ, सही है। ये लगभग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेज, यानी कि प्राइवेट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट इकोनॉमी क्या यूज करता है, डिमांड सप्लाई सब कुछ यूज करेगा भाई वो। क्या प्रिंसिपल पूछ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, प्राइस, प्रिंसिपल जब कुछ यूज करता है ना कोई, प्रिंसिपल ही अगर प्राइवेट है तो उसको उसका फोकस प्राइस पे होता है कि कैसे भी प्रॉफिट करूं, तो प्राइस से ही तो करेगा, और प्राइस को ही कंसिडर करके रखेगा। सॉरी सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया था, मुझे मार्केट इकोनॉमी याद आ गया, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट फोर्स वाला। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज कब, वांट्स आर अनलिमिटेड, जब वांट्स अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, अल्टरनेटिव यूज जब रिसोर्सेज हो, या ऑल ऑफ द अबव। डी है, दो भी ऑप्शन मिल गए तो डी बिल्कुल। खैर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, पब्लिक इनकम, डिमांड, क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी, इनकम तो नहीं होगी क्योंकि इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है वो माक्रो लेवल पे चेक होता है, पब्लिक हो ही नहीं सकती। डिमांड, प्राइस में प्राइस, ओके। फॉर एनी क्वेरी इफ यू हैव यू कैन आस्क, इट्स ऑलरेडी बीन 2 आवर, 2 घंटे हो चुके हैं। और कोई डाउट्स है तो आप मेंशन कर सकते हैं। वन सेकेंड, वन सेकेंड। ओके ओके, सो एम आई लाइव,
एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। वन सेकंड। अगेन मैं मेंशन कर देता हूँ कि क्वेश्चन जो थे वो अच्छा पेपर था। ऐसे ही पेपर आईसीएआई सेट करती है, थोड़ा सा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे होते हैं टफ होते हैं, बट नॉट ऑल, सारे नहीं होते। टाइम कंज्यूमिंग पेपर बिल्कुल था, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पेपर 50% अगर देखा जाए ऑन एन एग्रीगेट तो 50% हार्ड था, 50% ईजी, ईजी 50%। तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ होगा तो लोग 45 नंबर आराम से किए होंगे, कुछ लोग 75 तक गए हैं, यह बात भी सही है। और एलआर में तीन चार क्वेश्चन जो थे वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग रह गए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी ऐसा हुआ, तीन क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो गए। स्टेट्स में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो सोल्व हो सकते थे लेकिन बहुत टाइम लेते, फ्रेम वाले क्वेश्चन, मतलब फ्रेम करके जो बनाना पड़ता है आपको टेबल ये सब बनाकर, टाइम कंज्यूमिंग थे। 50% पोर्सन जो प्योर मैथ है उससे था, वो थोड़ा सा टफ था, अब 50% उसमें भी ठीक ठाक था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हुए जो टाइम पे नहीं कर पाए, उनको लग रहा था कि वो और भी कर सकते थे, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। खैर, मैं स्ट्रीम को बंद करूँ, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मेंशन कर देना, अदरवाइज मैं लाइव खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। लाइव एंड कर दूं या आपके कोई डाउट्स है? अगर आपके डाउट्स है तो यू कैन मेंशन। थैंक्स भाई, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए लैग आया होगा मुझे पता है, मैं जो है वो कनेक्शन थोड़ा सा दिक्कत है, उधर लोग बुला रहे थे, मुझे काम था उन लोगों को, तो खैर ठीक है, मैं लाइव ऑफ कर दूं। बिग हट फॉर यू, अब डर नहीं लग रहा, डरने की क्या बात है यार, क्यों आप लोग डरते। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम्स, और मतलब उसमें गर्दा उड़ा देना भाई, धूल उड़ा देना, जितना अच्छा हो उतना अच्छा प्रेजेंट उसको देकर आना। मैं आपको कह देता हूँ आपका 1 घंटा बच जाएगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके, मैं अब जा रहा हूँ, आप लोग भी जा सकते हैं। पेपर ओवरऑल मेरे भाई आपको भी पता है ठीक ठाक था, हाँ हार्ड था कुछ क्वेश्चंस लेकिन सोल्वेबल था, ऐसा नहीं था कि सोल्व नहीं हो सकता था, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपना क्वेरी जो है आप मेंशन जरूर कर देना, कमेंट में भी अगर मेंशन करोगे तो मैं देख लूंगा उसको कि पेपर कैसा था क्या था, आप लोग उसकी चिंता मत करना कभी। ठीक है, हाँ, पेपर 50% जो था वो हार्ड था, वैसा नहीं, हार्ड का मतलब कि मतलब सोल्वेबल नहीं था, सोल्वेबल था 50% पेपर सोल्वेबल था। और हाँ, अगर आपका जो आप 45 से 50 के बीच में भी अटेम्प्ट किए हैं लेकिन आपको लगता है कि उसमें से दो तीन क्वेश्चन ही, इवन 45 से 50 के बीच में भी आप अटेम्प्ट किए हैं और आपको लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन ही आप जो है वो तुक्के मारे हैं तो भी आप पास हैं, और अगर 50 से 60 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं और आपको लगता है कि चार पांच क्वेश्चन पे आपने तुक्का मारा है तो भी आप पास है, अगर 60 से 70 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं और आपको लगता है कि 12-15 क्वेश्चन गलत है तो भी आप पास है, लिटरली पास है आप, क्योंकि जो तुक्का मारे होंगे उसमें से एक दो तो सही होगा ही, और एक दो भी सही हुआ तो आपका जो रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है, जो आपने रॉन्गली अटेम्प्ट किया है, आपको लगता है कि वो सही था या गलत, आपने अटेम्प्ट कर लिया और वो गलत है, उसको वो शेट ऑफ कर देगा, मतलब समझ रहे हो। कभी कभी क्या होता है, तुक्का मारना भी बहुत जरूरी है, तुक्के मारने से फायदा क्या होता है, उसमें से दो तीन भी सही हुआ ना तो बाकी सारे गलती के वो कंपेंसेट कर देता है,
कंपेंसेट, मतलब समझ रहे हो ना, एडजस्ट कर देता है वो जो निगेटिव मार्किंग होने वाली है उसको, वो खुद ही सेटअप कर लेता है। कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं भाई। क्वेश्चन मिला क्या आपको मैथ्स का कहीं से? अब भी नहीं मिला है, मैं उसको जुगाड़ कर दूंगा आपके लिए, आप लोग चिंता मत करना। आपके लिए मैथ्स का पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। हालांकि मैथ्स का पेपर का जो रिव्यू है वो आपके सामने है, और आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनके पास टाइम नहीं बचा होगा, ये मुझे पता है भाई, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट मैं भी फाउंडेशन क्रॉस किया हूँ, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं बचा होगा। और क्वेश्चन मिलेगा ना तो मैं मैथ्स का अपलोड कर दूंगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक चीज बताओ, कितना कितना अटेम्प्ट किए हो, मतलब 50 से 55 किए हो, 55 से 60 किए हो, और उसमें तुक्का कितना लगा हो, ये चीज अगर आप नीचे मुझे कमेंट कर दिया ना तो मैं बता दूंगा कि आपका मार्क्स जो है वो कितना आने वाला है, पास होने वाले हो या नहीं होने वाले, पक्का बता दूंगा। एंड आई एम श्योर वही होगा। पेपर एज यूजुअल ही था, पेपर में कुछ ऐसा ज्यादा इधर उधर नहीं किया, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। 70 क्वेश्चंस, 6 तुक्का। अब अगर मान लो 70 आप किए हो, 6 नहीं मैं मानता हूं, आप 10 तुक्का लगाए तो कितना आता आपका? 66, और 3 मार्क्स उसका करता तो 63, तो 60+ तो वैसे भी आपका है, कंफर्म रहिए। 6 गलत भी हुआ ना, 6 तुक्का में से अगर एक तुक्का सही हुआ, मान लीजिए सिर्फ एक तुक्का, तो कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 71, और बाकी गलत में से कितना मार्क्स कटेगा? सिर्फ 5 मार्क्स, 65 हो जाएगा आपका। 75 और 8 तुक्का, तो अब आप सोचो 8 तुक्का है तो कितना मार्क्स कटेगा? 8 तुक्का में से एक भी सही हुआ तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, 8 मार्क्स सिर्फ 7 मार्क्स डिजक्ट होगा, और वो कितना आपको मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 8, 68। इस 8 तुक्का में से एक तुक्का सही होना चाहिए बस, तो कभी कभी तुक्का मारना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एस्टिमेट कर लिए क्वेश्चन और मार दिए, बस हो गया काम, और क्या करना रहता है। और किसी को भी डाउट है तो आप लोग मेंशन कीजिए, आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं ये जरूर बताकर चाहिए। मैं पिछले 2:30 कब, लगभग 5 बजे से, नहीं हाँ 5 बजे से मैं लाइव हूँ, हाफ एन आवर और लाइव रहूंगा। वनिता परिचा, माई स्टूडेंट्स कंप्लेनिंग दैट ओनली 10 to 15 मार्क्स रीजनिंग इन द एग्जाम। वॉट ओनली 10 to 15 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन? मे बी बिकॉज आई ऑल्सो गॉट दैट द क्वेश्चन फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी वॉज लो एज कंपेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट, सो आई थिंक मे बी देर वेर नॉट 20 क्वेश्चन ऑफ एल आर, बट 15 इट इज नॉट जस्टिफाइड, बट व्हाट वी कैन डू। परमार 65 अटेम्प्ट, 5 6 तुक्के, मान लो आपके 7 तुके नहीं 10 तुके हो तो कितना आपका आएगा? 52 पॉइंट समथिंग, और जितने आप बता रहे हो इसमें से एक भी सही हुआ, सिर्फ एक, तो आपका 58 आ जाएगा, सिर्फ एक सही होगा। तो कभी कभी तुक्के मारना भी जरूरी है। और ऐसा सही में हुआ है क्या कि एलआर से कम क्वेश्चन पूछा और टाइम वैल्यू ऑफ मनी से भी कम पूछा? हो सकता है यार। और सबसे बड़ी चीज दैट आईसीआई नेवर रिलीज दियर क्वेश्चन पेपर फोर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स पेपर। ओके आई कैन फील यू, बट नो प्रॉब्लम, स्टिल आपने अच्छे से पेपर दे रखा है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलआर 20 का नहीं आया, ठीक है 20 का नहीं आया, 15 का आया, दैट इज एनफ। सर राउंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नो प्रॉब्लम।
OMR फील में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम नहीं होती भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो वो काउंट हो जाएगा। तीन चार क्वेश्चंस गलत भी थे तो ग्रेस मिलेगा उसका, सबको सबको मिलेगा भाविन, सबको मिलता है ऐसा ग्रेस अगर गलत होता है क्वेश्चन तो। हालांकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोले जिन्होंने, अब देखो अब जो 50 या 60 अटेम्प्ट किया उसे कैसे पता चला कि कौन कितना सही था कितना गलत था। इट इज नॉट जस्टिफाइड, होप आईसीए विल प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स टू द स्टूडेंट, दे आर वर्किंग हार्ड। यस बिकॉज एलआर इज सच अ पोर्सन विच प्रोवाइड्स रिलीफ टू द स्टूडेंट, फॉर द मच ऑफ द स्टूडेंट्स एलआर इज जस्ट लाइक क्या कहते हैं उसको, नैया पार लगाने वाला। तो वेन दे विल रिड्यूस द पोर्सन ऑफ एलआर विदाउट नोटिफाइंग द स्टूडेंट्स और विदाउट डिक्लेयरिंग एनी नोटिफिकेशन अबाउट दिस, देन दिस इज नॉट जस्टिफाइड। तीन चार क्वेश्चन रॉन्ग था और अटेम्प्ट नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। नहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा, मिलता है ग्रेस तो। एमसीक्यू पेपर में अगर रॉन्ग क्वेश्चन है या रॉन्ग ऑप्शन है तो हर किसी को मिलता है, क्योंकि भाई जिस जो गलत ऑप्शन है तो इंसान कौन सा ऑप्शन टिक करेगा। अभी बताओ आयुष चौर का ईजी था, 95+ बनेंगे, बहुत अच्छा। बहुत लोग थे जो लोग 100 तक अटेम्प्ट करके आए, वो लोग भी ऐसे बोले कि दे विल गेट 90, तो दैट इज अलॉट एंड आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू इन एडवांस। नहीं अराउंड एमडी राशि गलत ऑप्शंस थे तो उसी क्वेश्चन ने तू टाइम ले लिया, वही तो बात है ना भाई। व्हाई दे प्रोवाइड ग्रेस, बिकॉज बिकॉज ऑफ वन और टू क्वेश्चंस स्टूडेंट्स प्रोवाइड दियर मेजोरिटी ऑफ टाइम एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन, एंड दैट्स वाई इट इज जस्ट इट इज अनजस्ट इट विल बी अनजस्टिफाइड वेन दे विल नॉट प्रोवाइड मार्क्स टू ऑल स्टूडेंट्स। अच्छा हुआ मैं क्वेश्चन छोड़ दिया गया क्योंकि लेंदी थे, इस वजह से मैं पूरे 100 पे पहुंच गया, 54 अटेम्प्ट हो गए। बोला था ना कि 1 से 100 तक जाओगे तो आराम से 50 बना लोगे, मैं तो 30 ही बोला था, देखो आप 54 बना कर आए हो। 1 to 100 जब आप जाते हो ना तो आपका 1 घंटा लगता है और उसमें 30 क्वेश्चन तुम आराम से ऑन एन एवरेज आप सोल्व कर लेते हो। थ्योरी के होते हैं 4-5 क्वेश्चन जिसको आप 1 मिनट में बना लोगे, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं कम से कम 4-5 क्वेश्चन वो हो जाता है, एलआर से 5 क्वेश्चन होता है वो आप कर लेते हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से 2-3 क्वेश्चन होता है वो हो जाता है, मैथ से 6-7 क्वेश्चन होता है वो होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे वो क्वेश्चन जो है वो होता है, मतलब लगभग 30 नंबर का तो आप आराम से कर लेते हो अगर आप 1 to 100 जाते हो तो। और अगर किसी का डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन लेंदी थे इस वजह से, ठीक ओके 1 सेकंड 1 सेकंड सर, आईसीआई का उनको ध्यान रखना चाहिए ये सब बात, दे विल कंसीडर इस अटेम्प्ट में भी वो लोग अच्छे से कंसीडर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है।
ओके ओके ओके, वन सेकेंड सर, गलत ऑप्शंस थे तो उसी क्वेश्चन टाइम लिया सर। हर अटेम्प्ट ऐसे और फर्दर मोर एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं लाइव बंद करने की सोच रहा हूँ। कोई डाउट है तो आप पूछिए। और एनी डाउट? और हाँ, एक बार फिर से मैं बता दूंगा आपको पेपर के बारे में, वन सेकेंड, कि पेपर जो था वो 50% हार्ड था और बाकी 50% में से 20% पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, बिल्कुल था। क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस या मिस प्रिंट जो थे वो एक दो क्वेश्चंस थे। आई रोट 42 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, इफ यू हैव अटेम्प्टेड ओनली फोर 42 मार्क्स बट यू हैव नॉट यूज एनी टैक्टिक्स और यू हैव नॉट एस्टिमेटेड एनी ऑफ देम, दैट मीन्स इफ यू हैव कंप्लीटली सोल्व योर क्वेश्चन विद योर हैंड विद योर माइंड देन यू विल गेट एग्जैक्ट 42 और 40 एटलीस्ट आई थिंक। अगर आपने अच्छे तरीके से खूब से ही किया है तो आपको 40 तो मिल ही जाएगा। आंसर कब तक बताओगे भाई? ये आंसर क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी बता पाऊंगा, और आईसीआई तो क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करती कभी भी एमसीक्यू पेपर का। कभी कभी अथॉरिटी से ही, उधर से ही थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन के कारण वो कहीं कैसे भी सर्कुलेट हो जाती है, तो मैं दिखा दूंगा। अदरवाइज इट इज इट्स क्वाइट पॉसिबल बट आफ्टर वन डे आई विल अपलोडिंग। एक बार आप लोग का ये पेपर हो जाए फिर मैं अपलोड कर दूंगा। और किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। एनी डाउट? यू कैन आस्क एनी डाउट, नो प्रॉब्लम, कुछ भी पूछ सकते हो आप, पूछो मैं जवाब दूंगा। मूनलाइट, कैन यू गिव मी अ स्मॉल मोटिवेशन? क्यों भाई, देखो अब आप 42 का अटेम्प्ट किए हो ना, 42 आप ही थे ना। हाँ, तो क्या होता है अगर मान लो कि एक आप जो एक क्वेश्चन उसमें गलत है, ठीक है, मान लो दो क्वेश्चन गलत है तो आपको कितना रहा है? दो क्वेश्चन गलत 39.5, तो 40 तो वैसे भी हो रहा है, तो टेंशन मत लेना। अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से कर लिए, अगर इकोनॉमिक्स में 70 ऊपर ला लिए, अगर इफ यू गॉट अबव 70 इन इकोनॉमिक्स देन यू विल बी अलॉटेड ग्रेस मार्क्स एंड यू विल बी पास। दैट्स ऑल। ओके, यू इफ यू हैव ओनली अटेम्प्टेड 45 क्वेश्चन बट यू आर क्वाइट श्योर दैट द क्वेश्चन विच यू हैव अटेम्प्टेड, यू हैव नॉट अटेम्प्टेड सच क्वेश्चन विद योर टैक्टिक्स और विद योर एस्टिमेशन। आपने खुद से ही 45 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। 45 क्वेश्चन खुद से सोल्व किए मतलब आप सोल्यूशन बनाए, आंसर आया, आपने टिक किया ऑप्शन में खोज कर, तब ऐसा अगर आपने सारे क्वेश्चन में किया है तो आप पास हो। एटलीस्ट यू विल गेट 42 मार्क्स फॉर श्योर, फॉर श्योर यू विल गेट 42 मार्क्स। क्यों? क्योंकि 45 तक ही आप गए मान लीजिए, लेकिन सारे खुद से सोल्व किए हैं तो आराम से 42 तो मिल ही जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आ गए ना तो ये पेपर भी आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अगर 1-2 मार्क्स से कम आ रहा होगा तो। और एनी डाउट्स? आई डोंट थिंक दैट यू पीपल हैव एनी मोर डाउट्स। ओके, सो ओके, सो अटेम्प्टेड 62, 50 सोल्व किए थे, ठीक है, 50 सोल्व आप किए थे ना। अब मान लो जो 12 जो आप बस ऐसे ही मार दिए, उसमें से सिर्फ दो क्वेश्चन गलत हो, सॉरी सिर्फ दो क्वेश्चन सही हो, जो 12 आप गलत बनाए उसमें से सिर्फ दो सही हो, तो आपका क्या होगा? आपका 52 सही हो जाएगा और
सिर्फ और सिर्फ 10 गलत होंगे, तो 10 में से कितना कटेगा? 0.25 मोर कटेगा, यानी कि 49 आपका कोई नहीं रोक सकता। और अगर मान लो 12 अटेम्प्ट ज्यादा किए और 12 गलत हो, फिर भी कितना आपका जो है कितना कटेगा? 3 मार्क्स, यानी कि यू विल गेट 47, मतलब आप 45 से एबव ही लाएंगे, एनी हाउ आप 45 से एबव ही लाएंगे, आई एम श्योर। तो श्योर रहिए आप मैथ्स में पास हैं, आप तीनों, ऊपर भी जो 2 लोग लिख रहे थे और एक आप, पास हैं आप, चिंता मत करिए। सर 37 सही है और 70 तुक्के मार दिए हैं। तो भाई जो 70 तुक्के मारे हो ना, उसमें से कितने सही होने चाहिए आपके? कितने? सिर्फ 8। जो कितना आप तुक्के मारे हैं? 33 तुक्के मारे हैं, 33। उसमें से अगर आपका 8 या 9 सही हुआ, अगर 9 सही हो गया तो आप पास हो जाओगे, 33 में से सिर्फ 9 आप पास हो जाओगे, नो प्रॉब्लम। 51 अटेम्प्ट किया और पता नहीं कितना गलत किया, कितना गलत किया नहीं पता, इतना तो पता होगा कि आप मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन सही बनाते आ रहे थे। तो अगर 6-7 भी गलत होंगे ना, 6 भी गलत होंगे, चलो ले लो 7, तो भी आप हो जाओगे पास। अगर गलत है 7 तो भी हो जाओगे पास। मुझे लगता है ये जो 51 आप अटेम्प्ट किए हो वो सोल्व कर रहे होगे, टिक मार रहे होगे। 107 तो क्वेश्चन नहीं थे ब्रो। क्या 107 क्वेश्चन नहीं थे ब्रो? भाई ने 62 अटेम्प्ट किए, समझ नहीं यार। 2.72, अच्छा उनसे बोल रहे हो आप, समझे नहीं। भाभी जो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना टोटल, ये 70 अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से 37 इनको लग रहा है कि सही है, बाकी 33 लग रहा है इनको कि इधर उधर है, 7 या 8 गलत। 7 भी अगर गलत हो गया ना तो भी आप पास हो जाओगे, 7 भी गलत होगा। 48 चांस अटेम्प्ट किए थे, बहुत डर लग रहा है। देखिए क्रिबल, अगर 7, 8, 30, 48 तक अटेम्प्ट किया, खुद से अटेम्प्ट किया, मैं बता रहा हूँ खुद से, मतलब आप सोल्व करें वो आंसर आ रहा, टिक करें, अगर ये रूल अपनाए हो ना, खुद से टिक तुक्का नहीं मारे हो, इसमें एक दो से ज्यादा तुक्का नहीं मारे हो, तो आप पास हो, लिख कर देता हूँ आप पास हो। मैथ्स का पेपर जब तक आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, एक दिन के बाद कर दूंगा। टिक मारा है ताकि पता रहे कौन सा कर लिया, उससे तो होगा नहीं ना, कुछ नहीं होता भाई मेरे। क्वेश्चन पेपर पर कुछ लिखा भी रह जाता है तो कुछ दिक्कत नहीं होता। ये क्वेश्चन पेपर कब तक डालोगे, आएगा ऑनलाइन? देखो क्वेश्चन पेपर आईसीआई नहीं रिलीज करती, वो जो है वो गलती से कभी कभी कोई फोटो खींच लेता है तो वो सर्कुलेट हो जाता है, वो अलग चीज़ है। सेंटर वाले ऐसे कुछ होते हैं जो 4 बजे के बाद, मतलब पेपर जब मिल जाए तो उसके बाद फोटो वोटो खींच लेते क्वेश्चन पेपर का, तो सर्कुलेट हो जाता है, अदरवाइज आईसीआई कभी रिलीज नहीं करती। तो हो जाएगा, इंतजार कीजिए, विद इन वीक सोल्यूशन भी रेडी रहेगा। और कोई डाउट है? एनी डाउट? ओह इट्स बीन 7:15, ओह माय गॉड, फाउंडेशन का रिजल्ट यू कैन एक्सपेक्ट 6th ऑफ अगस्त। रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन 6th ऑफ अगस्त आई थिंक। ओके नो प्रॉब्लम, इफ यू हैव नो मोर क्वेश्चन देन आई विल बी ऑफ, सो यू कैन रेज योर क्वेश्चन। यू कैन सर आप फाइनलिस्ट हो या ए ग्रुप इंटर क्लियर हो, एंड इंटर स्टूडेंट हु हैव नॉट क्लियर एनी ऑफ द ग्रुप इन द प्रीवियस अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट आई लॉस्ट माई बॉथ ग्रुप। क्योंकि दोनों ग्रुप देने का फायदा होता है, एक में अगर आप एग्रीगेट क्रॉस नहीं भी कर रहे हो, दूसरे में अगर एग्रीगेट क्रॉस कर गए तो उसके मार्क्स इसको सेटअप कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक ग्रुप में सारे सब्जेक्ट में पास था, दूसरे ग्रुप में एक सब्जेक्ट डुबा दिया भाई मेरे को, जिसकी वजह से दोनों गया। अकाउंट्स में मेरा लाइबिलिटी साइड टैली नहीं हुआ तो कितना कटेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स कटेंगे,
ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स, क्योंकि मैटर वो नहीं करता। आप लोग सोचते हो ना बैलेंस शीट मैच करना, प्रॉफिट निकालना, नहीं, मैटर करता कि आप सारी चीजों में से कितनी ज्यादा आइटम सही जगह पे पोस्ट किया हो। अगर सारी चीजें सही जगह पे पोस्ट है, एक दो गलत है, तो उसी गलत का मार्क्स करता है 1-2 मार्क्स, बाकी आपके पोस्टिंग का मार्क्स दे दिया जाता है आपको। दैट्स ऑल। आई विल बी लाइव फॉर 20 मिनट्स मोर। 1771 पीपल हैव वोटेड दैट। व्हाट? अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन गलत बता रहे हैं। मैंने वो नहीं किया, बस अकाउंट बनाया है। बना दिए हो ना, तो अगर वो गलत हुआ तो आपको ग्रेस दे दिया जाएगा। मिलेगा ग्रेस? बिल्कुल मिलेगा। अरे भाई, अटेम्प्ट अगर आप नहीं भी किए होते तो भी मिलता। अगर वो गलत है तो, हालांकि मैं उसको भी अच्छे डीप तरीके से भी एनालाइज नहीं किया हूँ, क्योंकि क्या है, जब डेप्रिसिएशन, अब सीए फाइनल वाला देखोगे ना डेप्रिसिएशन, तो उसमें आपको पता चलेगा कितनी वैरायटी तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो क्या करूं, मैं लाइव बंद करूं या चालू रखूं? पेपर पेपर अगेन आई एम सेइंग पेपर वाज वेरी हार्ड फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने सिलेबस 70 या 80% कंप्लीट नहीं किया। तो जिसने सिलेबस 80% भी कंप्लीट किया होगा ना, वो आराम से 50% का बना कर आया होगा। और एज यूजुअल टाइम कंज्यूमिंग भी था, लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा होगा, मुझे पता है। आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस थे, ये भी मुझे पता है। एक दो क्वेश्चन मिस प्रिंट थे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे, गलत थे। ऑन एन एवरेज 55 to 65 अटेम्प्ट करने वालों की तादाद ज़्यादा है। ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो 55 से 65 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, ये लोग ज़्यादा हैं। बहुत कम स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 45 से 55 ही अटेम्प्ट किया। और ये लो भाई, कुछ पढ़ लो। आई गॉट कुक्ड भाई लोग। नो, यू आर नॉट गेटिंग कुक्ड, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड अबव 45, आई थिंक सो। और इफ यू हैव अटेम्प्टेड अबव 45, देन यू आर नॉट श्योर दैट हाउ मच ऑफ देम आर रॉन्ग और राइट। यू आर नॉट कुक्ड, अटेम्प्ट इज नियर, यू हैव टू अपियर फॉर द सेप्टेम्बर। हाउ इज इट पॉसिबल? रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन द ऑगस्ट एंड एग्जाम विल बी अगेन इन द सितंबर। व्हेन यू पीपल विल फिल योर एग्जाम फॉर्म? आई एम कंफ्यूज। ओके ओके ओके, सो फॉर फ्यू यू, ठीक है, मैं लाइव बंद कर रहा हूँ। थैंक यू, आप लोग अपना क्वेश्चन लिखे, मैं भी लिखा ले। मैं अच्छा लिखना कैसे सीखे प्लीज बताओ, क्योंकि मेरे आंसर कोई वेलिवेट नहीं करता तो मुझे पता भी नहीं चलता। लो में सबसे बढ़िया तरीका जिस फ्लो में क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो 3-4 टॉपिक रिलेटेड होते हैं, समझ रहे हो? अब एक लाइन पढ़े हो, जो चीज समझ में आया कि अच्छा ये इस पॉइंट को बता रहा है, तो उस पॉइंट को डिफाइन कर दीजिए वहां प्रोविजन में। फिर दूसरा लाइन पढ़े तो हमको पता चला कि अच्छा ये इस पर केस करना, क्लेम करना चाहते हैं, तो वो क्लेम वाला प्रोविजन तुरंत मेंशन कीजिए कि कैसे क्लेम करता है। फिर चौथा पता चला आपको कि यस या नो, तो आप उसका प्रोविजन लिखिए कि किस केस में यस होता है, किस केस में नो होता है, बस और कुछ नहीं करना होता। सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे ना तो आपका हो जाएगा भाई। और इसका भी लॉ का भी सिंपल ट्रिक यही है आंसर लिखने का, केस बेस्ड वाले का, कि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है माइंड में कि किस फ्लो में क्वेश्चन चल रहा है। जिस फ्लो में क्वेश्चन जा रहा है उसी फ्लो में प्रोविजन लिखें। कभी भी एक प्रोविजन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक सब्जेक्ट में है ग्रेस मिलेगा या दो सब्जेक्ट में भी मिल सकता है? देखो, अगर कम अगर आपका मार्क्स आ रहा होगा ना, तो वो एग्रीगेट मार्क्स में आपको दे देगा। मान लीजिए आप फेल हो रहे हो 1-2 मार्क्स से, तो आपको देकर पास कर देगा। दो दो सब्जेक्ट में अलग अलग ग्रेस नहीं मिलता। लेकिन मान लो मैथ्स में जैसे क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत प्रिंट कर दिया, तो उसका ग्रेस मैथ्स में,
और जो लॉ में कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो लॉ का ग्रेस अलग से ऐसे भी मिलता है। ओके ठीक है, मैं लाइव बंद करते रहा, ठीक है ना, मैं लाइव बंद करते रहा हूँ भाई, हो गया। मैं कौन से सब्जेक्ट की वजह से रह गए? ऑडिट 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 वाज टू टफ, मतलब आप सोचो कि उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स पूछा ना भाई, ऐसे ऐसे कि रिलेट कर पाना भी मुश्किल था कि किस चैप्टर का है। और जहां पे हम लोग दे रहे थे ना एग्जाम, मैथ्स में डाउट है तो कोई बात नहीं, एग्रीगेट बन रहा है हो जाओगे पास, 1-2 मार्क्स से फेल नहीं करता। आईसीआई खुद बोलिए कि वो 5 मार्क्स तक दे देती है, पिछले साल ही जो सेमिनार हुआ था उसमें एक प्रेसिडेंट ये बात एक्सेप्ट किए हैं, 4-5 मार्क्स से अगर कोई फेल हो रहा है तो हम पास कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग, यस ऑडिट, यह ऑडिट इतना टफ पूछा था ना भाई ऑडिट में, मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ कमी कह सकते हैं मुझमें, क्योंकि मैंने रट्टा नहीं मारा था ऑडिट में, लिटरली आपको रट्टा मारना पड़ता है। लॉ तो कुछ है ही नहीं, फाउंडेशन वाला लॉ कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट का जो ऑडिट है उसके सामने फाउंडेशन वाला लॉ कुछ नहीं है।